हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ऐसा है, हम लोग अब परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे। अब तक हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है और क्वासी और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। सो बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें देखे, अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीजें। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो ये जो चैप्टर है, परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस यानी क्या? सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हुए थे कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, उनको परफॉर्म कर देना। याद होगा आपको, मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट दो चीज करता है, एग्रीमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन। सो जो लीगल ऑब्लिगेशंस थे उनको परफॉर्म कर देना। जैसे कि ए ने बी को पूछा, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में? मीन्स, और बी ने बोला हाँ। मीन्स ए की जिम्मेदारी हो गई, ऑब्लिगेशन हो गया टू डिलीवर द कार, और बी का ऑब्लिगेशन हो गया टू पे द प्राइस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब है बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। दोनों ने अपना अपनी जिम्मेदारियां को परफॉर्म कर दिया। तो ये एक बेसिक मतलब हो गया परफॉर्मेंस का। सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी लीगल ऑब्लिगेशन थे उनको पूरा कर देना, दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो प्रकार के परफॉर्मेंस हो सकते हैं। जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस कैन बी, इट कैन बी आइदर एन एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है बोथ द पार्टीज हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड। ए ने बी को गुड्स दे दिया, बी ने ए को पैसा दे दिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरा होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब है कि जब एक व्यक्ति अटेम्प्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है परफॉर्म करने का, बट द अदर पार्टी इज रिफ्यूजिंग, दूसरा व्यक्ति उसको रिफ्यूज कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जैसे ए ने गुड्स लेके गया बट बी ने उसको पैसे देने से मना किया। बी बोला नहीं नहीं गुड्स नहीं चाहिए। ए तो पूरा तैयार है परफॉर्म करने के लिए बट बी मना कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ए हैज अटेम्प्टेड टू परफॉर्म। इसी का दूसरा नाम है ऑफर टू परफॉर्म। तो ऑफर किया गया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हूं, मैं ऑब्लिगेशन पूरा करने आया हूं, तो ऑफर एक्सेप्ट करो। इसी का तीसरा नाम है टेंडर। टेंडर का क्या मतलब होता है? टेंडर का मतलब होता है ऑफर, ठीक है। सो यहां पे भी टेंडर दिया गया है, ऑफर दिया गया है। ध्यान रखो, ये टेंडर और चैप्टर नंबर 2 का टेंडर, ऑफर एक्सेप्टेंस वाला टेंडर, दोनों ही अलग चीज है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का टाइम आ गया है और यहां पे एक गुच्छ लेके आ रहा है, तो यहां पे टेंडर दिया जा रहा है। सो टेंडर का मतलब यहाँ क्या है? ऑफर ही है बट ऑफर टू परफॉर्म, कि ये लो मैं गुच्छ लेके आया हूं, दिस इज कॉल्ड एज टेंडर। पहले जो हमने टेंडर पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, वो टेंडर का क्या मतलब था? वो टेंडर यहां का टेंडर था, यानी वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला ऑफर था। ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला ऑफर नहीं है। ये कौन सा ऑफर है? सो ये ऑफर है टू परफॉर्म। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम का ऑफर था, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के टाइम वो ऑफर कर रहा है कि ये लो मैं गुड्स लेके आया हूं। सो दोनों में बेसिकली फर्क है, एक है कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम का ऑफर एक्सेप्टेंस वाला ऑफर, दूसरा है जो बाद में, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा है जो बाद में ऑफर किया गया एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक परफॉर्मेंस के टाइम का है और एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के टाइम का है। सो इस प्रकार से दो प्रकार के परफॉर्मेंस हो सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो हर पार्टी का काम है कि ही शुड आइदर परफॉर्म और एटलीस्ट अटेम्प्ट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे जब हम बोलते हैं परफॉर्म करना या परफॉर्म करने को अटेम्प्ट करना, दोनों ही इक्विवेलेंट है। यानी अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म करता है या परफॉर्म किया नहीं बट ऑफर तो किया, दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस। ये भी परफॉर्मेंस के बराबर माना जाएगा। सो परफॉर्मेंस दो प्रकार के इसीलिए हो सकते हैं। पहला है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बोथ द पार्टीज हैव एक्चुअली फुलफिल्ड देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस,
एंड दूसरा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर वेयर वन ऑफ द पार्टी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म बट द अदर पार्टी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। सो दोनों प्रकार से हो सकता है। ध्यान रखो दोनों ही एक प्रकार से ऑब्लिगेशंस को खत्म कर देते हैं। जैसे ही ए ने परफॉर्म कर दिया उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, या जैसे ही ए ने ऑफर कर दिया कि ये लो मैं गुच्छ लेके आया हूं, अब बी रिफ्यूज कर रहा है तो ए की कोई गलती नहीं है, ए ने अपना काम पूरा किया। ठीक है, सो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस। तो ये अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल चीजें होना चाहिए एक परफॉर्मेंस में या एक ऑफर टू परफॉर्म में। क्योंकि देखो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ए लेके आया गुड्स लेकिन डिफेक्टिव गुड्स लेके आया और बी इसीलिए रिफ्यूज कर रहा है, बी इसीलिए मना कर रहा है। सो ऐसा भी हो सकता है कि ए गुड्स तो लेके आ रहा है लेकिन बी मना कर रहा है क्योंकि वो डिफेक्टिव थे। सो ऐसे केसेस में क्या ए कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है? द आंसर इज नो, ए कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा वहां पे। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या ऑफर टू परफॉर्म प्रॉपर है, वैलिड है। क्योंकि अगर सब चीज प्रॉपर है और ए गुड्स लेके आ रहा है और बी मना कर रहा है तो ऐसे केसेस में बी इज कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनो, जैसा कि आपको पता है फास्ट ट्रैक चल रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं करूंगा। सो ध्यान से सुनते जाओ एक एक वर्ड को। सो ए गुड्स लेके आ रहा है, बराबर प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस पे, बराबर गुड्स है, जैसा बोला था वैसा सब कर रहा है वो, फिर भी बी मना कर रहा है। सो ऐसे केसेस में बी इज कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए जो गुड्स लेके आ रहा है वो गुड्स में ही डिफेक्ट है, वो बराबर वक्त पे नहीं लेके आ रहा है। तो ऐसे केस में अगर बी मना करता है तो क्या बी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है? द आंसर इज नो, ऐसे केसेस में ए इज कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो बी इज नॉट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बी हैज अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ए ने कुछ गड़बड़ किया। तो हम ये कब बोलेंगे कि ए ने प्रॉपरली गुड्स लेके आया था, ए की गलती नहीं थी, बी की गलती थी, ऐसा हम कब बोलेंगे? तो अगर ये आगे के पूरे पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो। सो एक टेंडर में, एक ऑफर टू परफॉर्म में, ध्यान रखो जहां जहां इस चैप्टर में अब टेंडर वर्ड आएगा आपके मन में अपने आप क्लिक हो जाना चाहिए ऑफर टू परफॉर्म। सो टेंडर का मतलब है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म। सो अ वैलिड टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट फुलफिल ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें हर ये चीज होना चाहिए जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये आठ चीजें। पहली चीज है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। तो हमने फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ऑफर कैन बी कंडीशनल, टेंडर जो होता है वो कंडीशनल हो सकता है, बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट कैन नॉट बी कंडीशनल। तो हम सही बोल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम आप जो कंडीशन लगाना चाहें लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस आप कोई नई कंडीशन नहीं लगा सकते। जो कंडीशन पहले लग चुकी थी वो वैलिड रहेगी, बट कोई कंडीशन अगर लगाई नहीं गई थी तो आप एंड टाइम पे जब परफॉर्मेंस करने का वक्त आया तब आप बोल रहे हैं नहीं नहीं पहले आप मेरे को गाड़ी का किराया दे दो, भाड़ा दे दो, फिर मैं तुमको गुड्स पहुंचा के देता हूँ, ये नहीं चलेगा। सो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस यू कैन नॉट इम्पोज एनी न्यू कंडीशन। सो जो कंडीशंस पहले से थी वो रहेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम एग्री की गई थी, बट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस यू कैन नॉट क्लेम कि भाई और कोई कंडीशन भी पूरी की जाए। ठीक है, अगर वो कंडीशनल है तो इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, देयर शुड बी नो न्यू कंडीशन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। तो ध्यान रखो मैं एग्जाम्पल्स देते जा रहा हूँ, एग्जाम्पल से ध्यान रखो क्योंकि एग्जाम्पल्स यहाँ दिए नहीं है। तो पहला, जैसे वो टाइम पे बोल रहा है मुझे पहले फ्रेट चार्जेस दो फिर मैं गुड्स लेके आऊंगा, तो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सो ए अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, नाउ बी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ए इज कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर। द सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। जब बोला था तब लेके आना चाहिए, जितने बजे बोला था तब लेके आना चाहिए, और वैसे ही जहां बोला था वहां लेके आना चाहिए। सो गुड शुड बी ब्रॉट एट द टाइम एंड प्लेस जो कि ऑलरेडी एग्री किया गया है, तो वो जगह पे और वो वक्त पे गुड्स को लेके आना चाहिए। अगर प्रॉपर टाइम और प्लेस पे है तो फिर यहाँ पे बी कैन नॉट कैंसल, अगर प्रॉपर टाइम और प्लेस पे नहीं है तो बी हैज अ राइट टू कैंसल। जैसे समझो मेरी शादी है, मैंने शादी के लिए बोला था कि 20 तारीख को शादी रहेगी, 20 तारीख को शाम को 5 बजे केटरिंग सर्विस लग जाना चाहिए रेडिसन ब्लू होटल में। मैंने टाइम बता दिया शाम को 5 बजे 20 तारीख को, मैंने प्लेस बता दिया रेडिसन ब्लू, तो वहां पे वो ऑफर करना चाहिए, वहां पे वो गुड्स लेके आना चाहिए, केटरिंग के जो सामान है वो सब लेके आना चाहिए। अगर वो मुझे बोलता है कि शर्मा जी आप एक काम करो आप यहाँ से गुड्स ले जाओ, तो मैं वो टाइम पे वहां जाके गुड्स तो नहीं ला सकता उसके घर से या उसके दुकान से।
सो ऐसे केसेस में इट इज नॉट एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. देन इट मस्ट बी ऑफ द होल ऑब्लिगेशन, जितना बोला था पूरा का पूरा होना चाहिए. अगर मैंने 10 बोरे चावल के मंगाया था तो मेरे को 10 बोरे एक साथ मिलना चाहिए. मैंने अगर कुछ कंडीशन नहीं रखा हूं, 10 बोरे भेज दो बोला था और उसने एग्री किया था, तो ही शुड सेंड ऑल द 10 बैग्स एट वंस, एक साथ उसने पूरे के पूरे भेजना चाहिए. अगर वो एक साथ नहीं भेजता है तो ऐसे केस में इट इज नॉट अ वैलिड परफॉर्मेंस. वो अगर समझो 5 बोरे भेजता है, बाकी 5 बाद में भेजूंगा बोलता है, तो इट इज नॉट वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. अब बी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. फिर अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात हो रही है, तो डिलीवरी के टाइम पे इंस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. मैंने चावल खरीद के लाया था, चावल देखा था, मेरे को सैंपल पसंद आया, मैंने बोला ये वाला चावल मेरे को एक बोरा पहुंचा दो. जब वो लेके आता है तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि मैं उसको देख सकूं कि बराबर वही बोरा आया या नहीं आया जो मैंने मांगा था. सो ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. फिर इट मस्ट बी बाय द पर्सन हु इज विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म. वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं आना चाहिए. जैसे समझो मेरे को एक पर्टिकुलर मकान पे स्लैब डलवाना था. अब स्लैब डलवाने के लिए मैंने एक कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बोला कि भाई ये मेरे को स्लैब डालना है, आप संडे को करा दोगे क्या? वो बोलता है जी सर मैं जरूर करा दूंगा. अब संडे का टाइम आया, संडे को वो अकेला आ जाता है, बोलता है चलो साहब कहाँ स्लैब डालना है. अब बताओ क्या अकेला व्यक्ति स्लैब डाल सकता है? द आंसर इज नो. उसके लिए बहुत सारे लोग लगते हैं और पूरा वो चेन बना के स्लैब पे डाला जाता है, सीमेंट वगैरह सब चीजें. सो अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं होती. तो यहाँ पे वो सिर्फ दिखावे के लिए आया कि देखो साहब मैं तो आया था, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे. सो यहाँ पे वो सिर्फ दिखाने को आया, ही इज नॉट रेडी और विलिंग टू परफॉर्म. उसके पास कैपेसिटी नहीं है परफॉर्म करने की, वो मजदूरों को पैसा ही नहीं दे सकता है. तो ऐसे केसेस में इट इज नॉट अ वैलिड परफॉर्मेंस. वो ये नहीं बोल सकता साहब मैं तो आया था, वो अकेला आया था और अकेले के बस का ये काम नहीं है. सो ऐसे केसेस में बी कैन रिजेक्ट द ऑफर. फिर इट मस्ट बी मेड टू द पर्सन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था. स्ट्रेंजर के साथ आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते. जिसने गुड्स मंगाया था उसके घर पे पहुंचना चाहिए. अगर आप पड़ोसी के घर में ले जाके गुड्स देंगे तो इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. फिर अगर जॉइंट प्रोमिसेस है, जॉइंट प्रोमिसेस का मतलब है ए ने एक्स वाई और जेड को परफॉर्मेंस करने का वादा किया था. सो यहाँ पे ही शुड परफॉर्म एट एनी ऑफ द प्रोमिसेस प्लेस. किसी भी एक व्यक्ति के यहाँ जाके वो परफॉर्मेंस दे सकता है, आइदर एक्स और वाई और जेड, अनलेस एग्रीड अदरवाइज. इसके अलावा कुछ और एग्री होगा तो वैसा होगा, कुछ एग्री नहीं हुआ था तो वो किसी एक को भी जाके बोल देगा लो मैं गुच्छ लेके आया हूँ, तो दैट इज अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. फिर अगर पैसे की बात हो रही है तो एग्जैक्ट अमाउंट देना चाहिए इन द लीगल टेंडर मनी. मीन्स अगर आपसे आपने मेरे से पैसे ले गए थे, पैसे वापस करना है, सो यू शुड रिटर्न इट इन द रुपीज. रुपीज में ही आपने वापस करना चाहिए. आप डॉलर्स लेके आओगे कि सर ये लो लेके आया हूँ पैसे, तो दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है. फिर इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल क्या होगा? अगर प्रॉपरली एक ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किया गया था बट उसको रिफ्यूज किया गया तो क्या होगा? तो जैसे ए ने अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस किया था, उसमें सब चीजें थी, प्रॉपर टाइम पे था, प्रॉपर प्लेस पे था, प्रॉपर क्वांटिटी थी, जैसा एग्री किया वैसा, विदाउट एनी कंडीशन, ही इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, सब चीजें उसमें मौजूद है जो भी अभी हमने पढ़ा. बट फिर भी अगर बी उसको मना करता है तो ऐसे केसेस में क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है? द आंसर इज नो. इट बिकम्स ओनली वॉइडेबल, इट डज नॉट बिकम वॉइड. अगर आप चैप्टर नंबर 1 में जाके देखेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें दो प्रकार बताए गए हैं, वॉइडेबल सिंस इंसेप्शन एंड वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट. उसमें एक सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 38 के हिसाब से, अगर परफॉर्मेंस प्रॉपर टाइम और प्लेस पे नहीं था तो ऐसे केसेस में इट बिकम्स वॉइडेबल. तो ए अगर परफॉर्म करने को तैयार है और बी मना कर देता है, सो ऐसे केसेस में ए कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. ये अपने आप कैंसिल नहीं हुआ, ए हैज अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. सो इट बिकम्स ओनली वॉइडेबल, तो ये कैंसिल किया जा सकेगा. फिर इसमें ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं. जैसे ही ए ने परफॉर्म करने का ट्राई किया था बट बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, सो ऑब्लिगेशंस अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. अब ए को वापस ले जाके गुड्स नहीं देना है, एक बार गया था ना वो बात खत्म हो गई. अब वो बार बार जाके गुड्स ऑफर नहीं करेगा, एक बार उसने कर दिया दैट इज सफिशियंट. उसकी अब जिम्मेदारियां खत्म हो गई, पर अधिकार खत्म नहीं होते, अधिकार अभी भी जीवित है. मींस अब जाके वो केस फाइल कर सकता है, रिकवरी कर सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सूट डाल सकता है. तो यहाँ पे उसकी जिम्मेदारियां भले ही खत्म हो जाती हैं बट अधिकार अभी भी जीवित होते हैं. सो अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो इट बिकम्स वॉइडेबल, कैंसिल किया जा सकेगा बाय ए, एंड ही कैन इनिशिएट एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट.
ये क्या होती है एक्शंस, तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाएगा तो क्या क्या चीजें की जा सकती है। इसका एक एक्सेप्शन है, जनरल रूल है कि अगर एक व्यक्ति ऑफर करता है और दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता है तो इट बिकम्स वॉइडेबल और वहां पे ऑब्लिगेशन से वो मुक्त हो जाता है। पर एक एक्सेप्शन है जहां ऑब्लिगेशन से मुक्त नहीं होते। जैसे कि समझो आपने मुझसे कुछ पैसा लेके गए थे, आप पैसा वापस लेके आए हैं, अब मैं कहीं बिजी हूं कोई पर्टिकुलर काम में, मैं बोला नहीं नहीं अभी पैसा मत दो, आई हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं बिजी था कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे था, तो मैंने बोला अभी पैसा मत दो। इसका ये मतलब नहीं कि आप अब कभी पैसा ही नहीं दोगे, यहाँ ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होते। आप ये नहीं बोल सकते सर पैसे तो लेके आया था मैंने, सो मैंने अगर वहां पे मना किया हूं तो दैट डज नॉट मीन कि आप ऑब्लिगेशन से मुक्त हो गए, यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल, आपकी अभी भी जिम्मेदारी है कि आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। द ओनली बेनिफिट यू विल गेट इज देयर विल बी नो इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल, जिस दिन मैंने मना कर दिया था उसके बाद से अब कोई भी इंटरेस्ट इसमें रिकवर नहीं किया जा सकता। फिर इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होल्डली, इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। वैसे सिंपल एक वर्ड में अगर बोलो तो इट बिकम्स ओनली वॉइडेबल। एग्जाम्पल ऐसा है कि एक लड़की होती है, वो बोलती है कि मैं गाना गाऊंगी आपके थिएटर में, एक मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है हर सैटरडे और संडे को, तो हर सैटरडे संडे ऐसा करके वो गाना गाएगी 3 महीने तक की ये बात होती है, और उसको हर परफॉर्मेंस के 100 रुपए देने वाले होते हैं। अब क्या होता है, वो पहले सैटरडे आती है गाना गाती है, संडे आती है गाना गाती है, अगले सैटरडे नहीं आती। अगले सैटरडे वो नहीं आती, खुद की इच्छा से नहीं आती, ऐसा नहीं है कि वो बीमार है या कुछ है, खुद की इच्छा से उसको लगता है यार यही जिंदगी है, सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, अपन जाके गाना गा रहे हैं थिएटर में, सो वो नहीं आती है, विलफुली शी एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। अब यहाँ पे सवाल ये आता है क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, द आंसर इज नो, इट ओनली बिकम्स वॉइडेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे ये कैंसिल किया जा सकता है। सो यहाँ पे अगर उसको लगता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, तो यहाँ पे थिएटर ओनर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम्स ओनली वॉइडेबल। लेकिन समझो अगले संडे वो आती है और गाना गाती है और उसको गाना गाने दिया जाता है, वो आई माइक उठाई और गाना गाना चालू कर देती है। अब यहाँ पे मैनेजर जो है थिएटर का वो देख रहा है बट वो उसको मना नहीं करता है, सो अब सवाल ये आता है क्या वो अगले बार उसको मना कर सकता है, क्या अगले सैटरडे वो उसको मना कर सकता है, द आंसर इज नो, नाउ ही कैन नॉट रिफ्यूज, अब वो मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ही हैज बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट ही हैज एक्सेप्टेड द लेटर परफॉर्मेंस, उसके बाद का जो परफॉर्मेंस था वो उसने एक्सेप्ट किया है, एंड हेंस ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट नाउ। एक बार उसने अगर उसके बाद ये दर्शाया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल उसने गाना गाने दिया, सो ऐसे केसेस में नाउ ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन। सो यहाँ डैमेजेस जरूर ले सकते हैं बट अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करने का अधिकार जो होता है वो खत्म हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन परफॉर्म करेगा, सिंपल से पॉइंट्स है, प्रोमिसर हिमसेल्फ। यहाँ पे ध्यान रखो जब भी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ध्यान रखना कि जो जो व्यक्ति को कुछ गुड्स देना है या कुछ सर्विस देना है उसको हम प्रोमिसर बोलेंगे, और जिस व्यक्ति को सिर्फ पैसा देना है उसको हम प्रोमिसी बोलेंगे। अगर आप ये दो चीज याद रखते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ जाएगा। वैसे बोथ द पार्टीज आर प्रोमिसर्स एज वेल एज प्रोमिसीज, और जरूरी नहीं हमेशा पैसा दिया हो, कई बार गुड्स दे के गुड्स लिया भी जाता है। सो हर व्यक्ति प्रोमिसर और हर व्यक्ति प्रोमिसी होता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि जो व्यक्ति को कुछ परफॉर्मेंस करना है, किसी को गुड्स लाना है, किसी को सर्विस देना है, तो ऐसे केस में ही विल बी कॉल्ड एज अ प्रोमिसर, एंड जिस व्यक्ति को सिर्फ पैसा देना है ही विल बी कॉल्ड एज अ प्रोमिसी। सो परफॉर्मेंस किसने करना चाहिए, तो परफॉर्मेंस शुड बी डन बाय द प्रोमिसर। प्रोमिसर ने बोला था, ए ने बोला था मैं गुड्स लेके आऊंगा, तो उसने लाना चाहिए। अल्टीमेटली अगर पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है तो इट शुड बी परफॉर्म बाय हिम पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल एक टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने मुझे पैसे दिए और मुझे बोले सर हमको पढ़ा के दोगे क्या, मैंने बोला यस। अब मैं यहाँ पे अगर नहीं पढ़ाता हूँ तो यू कैन क्लेम, यहाँ पे परफॉर्मेंस शुड बी बाय मी ओनली। मैं यहाँ पे अपने आर्टिकल को नहीं भेज सकता जा रहे आज तू पढ़ा दे, तो यहाँ पे मेरा काम है पढ़ाना तो मैं पढ़ाऊंगा। इट इज कंपल्सरली टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन हु हैज प्रॉमिस्ड, यानी प्रोमिसर हिमसेल्फ। कुछ केसेस में एजेंट के थ्रू भी परफॉर्मेंस किया जा सकता है व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पर्सनल ऑब्लिगेशन। अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे मुझे सिर्फ गुड्स पहुंचाना था आपके यहाँ पे, तो ऐसे केसेस में ये जरूरी नहीं कि मैं ही गुड्स लेके जाऊं,
मैं अपने किसी एक व्यक्ति को, ऑफिस के किसी स्टाफ को, मैं आर्टिकल को भेज सकता हूँ, जाओ गुड्स पहुंचा के आ जाओ। सो ऐसे केसेस में एजेंट के थ्रू भी परफॉर्मेंस किया जा सकता है। वैसे ही अगेन लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे इन केस ऑफ डेथ। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे जो वारिसदार है, मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मेरी जो वाइफ है, शी विल परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। सो ऐसे केसेस में ध्यान रखने वाली बात अगेन वही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो इट शुड नॉट बी परफॉर्म, इट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय दी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किए जा सकते। ज्वाइंट प्रोमिसर्स है तो कौन परफॉर्म करेगा? तो जब तक के सब लोग जीवित हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, बी और सी ने मिल के वादा किए थे मिस्टर एक्स से कि हम आपको गुड्स लाके देंगे, तो जब तक सब लोग जीवित है सब लोग मिल के परफॉर्मेंस देंगे। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर्स परफॉर्मेंस देगा। अगर दो की डेथ हो गई तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अलोंग विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर परफॉर्मेंस देगा, और अगर सबकी डेथ हो जाती है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइंटली परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। सो जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में जॉइंट परफॉर्मेंस होना चाहिए, डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर जॉइंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन हो सकता है क्या? तो हाँ, अगर थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस क्लेम कर चुके हो आपने, तो ऐसे केस में आप फिर से परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते फ्रॉम द पार्टी हु वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। एक केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति कंसाइनर कोई गुड्स भेजता है टू द कंसाइनी, और ये गुड्स भेजे जाते हैं थ्रू ट्रक, और इसका इंश्योरेंस कराया जाता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अगर गुड्स का कोई डिस्ट्रक्शन होता है तो हम पैसे दे देंगे। अब यहां पे ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर के गलती के कारण, समझो वो कहीं पे खाना खाने उतरा और उसने ट्रक पे कोई चाबी वगैरह छोड़ दिया वैसे के वैसे, अब ट्रक चोरी हो गया, साथ साथ में पूरा का पूरा जो गुड्स थे वो चोरी हो गए। अब अल्टीमेटली कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनी क्लेम कर लेता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब एक बार उसको क्लेम मिल गया, उसके बाद वो फिर से जाता है क्लेम करने फ्रॉम द कैरियर। सो सवाल यह आया क्या वो कैरियर से क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से एक बार परफॉर्मेंस मिल चुका है। ही हैज क्लेम द परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, देन ही कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस फ्रॉम द पार्टी हु वॉज एक्चुअली लायबल फॉर द लॉस। सो यहाँ पे एक्चुअली लायबल था कैरियर, बट वंस यू हैव क्लेम द परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन देन यू कैन नॉट अगेन क्लेम द परफॉर्मेंस। सो यही पॉइंट आगे बताया गया है। कौन कौन परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, कौन कौन बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो? द फर्स्ट इज प्रोमिसी, सिंपल पॉइंट है। प्रोमिसी बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, उसका एजेंट बोल सकता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोल सकता है इन केस ऑफ डेथ कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाए, और जॉइंट प्रोमिसेस है तो कोई भी व्यक्ति प्रोमिस पूरा करने बोल सकता है। जैसे कि अगर ए ने एक्स वाई और जेड से मिलके परफॉर्मेंस करने का वादा किया था तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, यानी मिलके एक्स वाई जेड तीनों क्लेम कर सकते हैं। अगर एक्स की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स अलॉन्ग विथ वाई एंड जेड क्लेम कर सकता है। वाई की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स और वाई अलॉन्ग विथ जेड क्लेम कर सकता है, और अगर सबकी डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स वाई और जेड मिलके कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। क्या थर्ड पार्टी क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो। ऊपर तो दिया था थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस मिल गया तो यस, वो खुद परफॉर्म कर दे तो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली थर्ड पार्टी कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, और आपने एक रूल पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी दैट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस। ठीक है, देन कब कब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किए तो चलता है? सो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, वंस अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहली चीज है, जब सेक्शन 62 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को या तो कैंसिल कर दिया गया है, रिसिंड कर दिया गया है, या तो ऑल्टर कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, या फिर नोवेशन हो गया है, पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। सो इन तीन केसेस में आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किए तो भी चलता है। कौन कौन से? पहला है नोवेशन, दूसरा है ऑल्टरेशन, तीसरा है रिसेशन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेक्शन 62 में जितने भी पॉइंट्स आते हैं ये सब आते हैं बाय द म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। एक एक करके तीनों देखते हैं। नोवेशन का सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूं। नोवेशन में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि अपन इसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐसा लग रहा है इसमें तो अपना नुकसान हो रहा है, तो इसके बदले वो दूसरा एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि समझो एक्स ने वाई को कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं गुच्छ लाके दूंगा, और वाई ने जेड को कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं गुच्छ लाके दूंगा।
समझो एक्स जो है ये रहता है मुंबई में, मुंबई से गुड्स भेजने वाला है, वाई जो रहता है ये पुणे में रहता है, और जेड जो है वो फिर से मुंबई में रहता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म किया जाए तो एक्स मुंबई से गुड्स भेजेगा पुणे, और पुणे से फिर से वाई गुड्स भेजेगा टू मुंबई। सो जबरदस्ती मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई गुड्स जाने वाले हैं। सो ऐसे केसेस में इनका जबरदस्ती का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बढ़ता जाएगा। सो यहाँ पे ये लोग क्या एग्री कर सकते हैं, ये लोग एग्री कर सकते हैं कि चलो भाई अपन एक काम करते हैं, डायरेक्टली एक्स विल प्रोवाइड द गुड्स टू जेड, और वाई को जो भी उसका कमीशन बनता है या जो भी उसका प्रॉफिट बनता है उतना प्रॉफिट दे देते हैं। इसमें तीनों ही पार्टीज का फायदा है, क्योंकि इसमें इनका जो फ्रेट का चार्जेस था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनका खत्म हो जाएगा। एंड हेंस ये लोग तीनों जन मिलके ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि वी विल नॉट परफॉर्म दी ओल्डर कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म नहीं करेंगे, एंड इट विल बी रिप्लेस बाय अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सो नया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। सो दिस इज अ केस ऑफ नोवेशन, जहां पे पुराने दो कॉन्ट्रैक्ट के बदले एक नया कॉन्ट्रैक्ट आया। नोवेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन वेयर द पार्टीज चेंज, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पहले एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और वाई और जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, नाउ अल्टीमेटली एक्स और वाई और जेड के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके एक्स ने डायरेक्टली जेड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। बट ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है। अगर एक भी व्यक्ति मना कर देता है, समझो वाई मना कर देता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केसेस में इट कैन नॉट बी डन। नोवेशन कैन बी डन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। फिर दूसरा प्रकार होता है नोवेशन का, जिसमें पार्टीज चेंज नहीं हो रही बट कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा बदल गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कार खरीदने जाता हूँ, मैं कार डीलर के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया मेरे को कार चाहिए, वो मेरे को कार दिखाता है, शर्मा जी ये कार है, ये कार पसंद है क्या आपको? मैं देखता हूँ बहुत अच्छी कार रहती है, वो 5 सीटर कार है, मैं खरीदने को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने बोला कल मैं कार लेके चला जाऊंगा, मैं घर पे आके मैं अपने घर वालों को बताता हूँ, तो घर वाले बोलते हैं कि यार एक काम करना था, ये 5 सीटर के बदले 7 सीटर क्यों नहीं ले लिए, बड़ी कार ले लेते थे, अपना बड़ा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, तो अपन ने बड़ी कार लेना चाहिए था। मैं बोलता हूँ यार हाँ बात तो सही है। मैं जाता हूँ फिर से उस कार डीलर के पास, मैं बोलता हूँ कि भाई ये कार मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एक दूसरी कार दे दो, मेरे को एक 7 सीटर कार बताओ। वो बोलता है ठीक है साहब, ये कार के बदले मैं आपको एक 7 सीटर कार देता हूँ, ये वाली कार है, अब इसका लेकिन प्राइस ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोग पार्टी सेम है बट कॉन्ट्रैक्ट पूरा बदल गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर था दैट हैज ऑलरेडी चेंज, तो जो चीज खरीदने बेचने की बात हो रही थी वही बदल गई। तो ऐसे केसेस में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाता है, इवन भले ही यहाँ पे पार्टीज रिमेन सेम बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज चेंज। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ नोवेशन, इट कैन ऑल्सो बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। अगर मैं और डीलर दोनों तैयार है तभी ये चीज की जा सकती है, अगर एक भी व्यक्ति इसमें तैयार नहीं है तो इट कैन नॉट बी डन। सो नोवेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये बताया गया था स्काफ वर्सेज जार्डिन के केस में, वन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ पार्टीज, दूसरा नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ पार्टीज। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, पुराने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने पड़ते। ऑल्टरेशन का मतलब होता है जब आप कोई टर्म्स में चेंज कर रहे हैं, जैसे समझो दिवाली आने वाली है और मैं देसी घी बेचता हूँ, मैं देसी घी के 10 पैकेट मंगाता हूँ, अब यहाँ पे मेरे को लगता है यार डिमांड ज्यादा है तो मैं 10 के बदले 15 पैकेट कर दूँ। मैं डीलर को बोलता हूँ कि भैया एक काम करो 10 के बदले 15 पैकेट दे देना, बाकी पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही है, सिर्फ मैंने इसमें एक क्वांटिटी चेंज कर दिया, बाकी रेट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, पार्टीज सेम है, सब सेम है, सिर्फ मैंने उसमें थोड़ा सा टर्म्स ऑल्टर कर लिया। सो ऐसे केसेस में भी अब पुरानी टर्म्स के हिसाब से इसको परफॉर्म नहीं करना है, इट शुड बी परफॉर्म ओनली विद द न्यू टर्म्स। ये भी ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे वही है कि इट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज, अगर कोई भी पार्टी मना करती है तो नोवेशन इज नॉट पॉसिबल, ऑल्टरेशन इज नॉट पॉसिबल, रेसेशन इज नॉट पॉसिबल। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेसेशन, जितने भी पॉइंट सेक्शन नंबर 62 में कवर होते हैं, ऑल दीज पॉइंट्स कवर्ड इन सेक्शन नंबर 62 आर विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। रिसेशन का मतलब होता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। नोवेशन और रिसेशन में ये फर्क है कि नोवेशन में पुरानी की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, बट रिसेशन में सिर्फ हम पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखो, पुराना कॉन्ट्रैक्ट जब हम कैंसिल कर रहे हैं तो इट शुड अगेन बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। जैसे समझो मैंने किसी से वादा किया था कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, उसने भी वादा की थी, शादी का हम लोगों ने पूरा फिक्स कर लिया, कौन से तारीख को शादी करेंगे, क्या करना है, सब चीजें हमने डिसाइड कर लिया। अल्टीमेटली हमको कुछ दिन पहले ही शादी के ऐसा लगता है यार शादी नहीं करना चाहिए, अभी ये उम्र क्या है शादी करने की, तो हम दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड करते हैं कि अपन और थोड़ा टाइम देते हैं रिलेशनशिप को, और फिर हम बाद में सोचेंगे कि भाई शादी करना या नहीं करना।
ऐसे केसेस में अगर हम लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट से दोनों जन मिलके ये एग्री करते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा एग्री कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट जहां पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किए तो चलता है, दैट इज रेमिशन। रेमिशन का क्या मतलब है? रेमिशन का मतलब है एक्सेप्टिंग लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, यानी मुझे जितना लेने का अधिकार था मैं उससे कम लेने को तैयार हो गया। रेमिशन में भी तीन चीजें आती है। पहली चीज, मेरे को जितना पैसा लेना था मैं उससे कम लेने को तैयार हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी से 10 लाख रुपए लेने थे, मैंने बोला यार वो दे नहीं पा रहा है, तो मैंने बोला एक काम कर 9 लाख रुपए दे दे, 1 लाख रुपए में छोड़ देता हूँ। सो ऐसे केसेस में मैंने 1 लाख रुपए रिमिट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज रेमिशन, एक्सेप्टिंग लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे अधिकार था 10 लाख रुपए लेने का, मैं 9 लाख रुपए लेने को तैयार हो गया। कभी अगर छोटा अमाउंट है और मैं पूरा का पूरा छोड़ देता हूं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेमिशन, बट इसका दूसरा नाम भी होता है वेवर। वेवर मीन्स पूरा का पूरा छोड़ देना। जैसे मेरे को सिर्फ 1 लाख रुपए लेना था और मैं बोलता हूँ भाई जाने दे, क्या 1 लाख रुपए, जाने दे छोड़। तो ऐसे केसेस में अगर 1 लाख रुपए में छोड़ दे रहा हूं तो दिस इज ऑल्सो अ रेमिशन, बट दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेवर बिकॉज मैं पूरा का पूरा अमाउंट छोड़ दे रहा हूँ, पूरा 1 लाख रुपया मैं छोड़ दे रहा हूँ। फिर दूसरा इसमें टाइप आता है जिसमें मैं कुछ और चीज एक्सेप्ट कर लेता हूँ फॉर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सेम चीज, मैं एक मेरे फ्रेंड के पास जाता हूँ, उससे मुझे पैसे लेना था 1 लाख रुपए, वो पैसे नहीं दे पा रहा है। मैं बोलता हूँ भाई देख तू पैसा नहीं दे पा रहा तो ये जो चेन पहना है चेन दे दे, तो वो 80,000 की एक चेन होती है वो गोल्ड चेन मुझे दे देता है। सो अल्टीमेटली मेरे को 1 लाख रुपए लेना था बट मैं 1 लाख रुपए छोड़ के एक गोल्ड चेन लेने को तैयार हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेमिशन। गोल्ड चेन जो है वो कम अमाउंट की है तो एक्सेप्टिंग लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, अगर ज्यादा अमाउंट की होगी तो इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर रेमिशन। फिर तीसरी चीज हो जाती है एक्सेप्टिंग एट अ एक्सटेंशन ऑफ टाइम, यानी लेटर टाइम, बाद में इसने एक्सेप्ट किया। जैसे कि मेरे को अधिकार था कि आज के आज परफॉर्मेंस मिल जाए, 29 तारीख को परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए, आज परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, मैंने बोला ठीक है आपको 2 दिन और देता हूँ, आप 31 तारीख तक परफॉर्म कर देना। सो ऐसे केसेस में मैंने अगर उसको 2 दिन और दिया, मीन्स मैंने अपने अधिकारों को कम किया, एक्सेप्टिंग लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, अगेन दिस विल बी कवर्ड अंडर द टर्म रेमिशन। सो रेमिशन में तीन चीजें हो सकती है, पहला पैसा कम लेना, दूसरा पैसे की जगह कुछ और चीज ले लेना, तीसरा टाइम बढ़ा के दे देना। सो ऐसे तीन चीजें रेमिशन में भी कवर होती है। फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिसेशन आता है, बट ये रिसेशन किस चीज का रिसेशन है? तो ये रिसेशन है ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी रिसेशन है बट ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का रिसेशन है। सो अगर आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो नो पार्टी इज लायबल टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। एंड आखिरी पॉइंट है, इफ द प्रोमिसी निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर द परफॉर्मेंस, तो ऐसे केसेस में भी परफॉर्मेंस नहीं किए तो चलता है। जैसे कि समझो आपके घर में कहीं रिपेयर्स का काम आया था, कि आपके घर में कहीं दीवार वगैरह रिपेयर करना था, अब मैं रिपेयर का भी काम करता हूँ, आप मुझे बुलाते हैं शर्मा जी वो रिपेयर का थोड़ा काम है आ जाना घर पे, मैं आ गया। अब रिपेयर करने के लिए आप मुझे रीजनेबल फैसिलिटीज ही नहीं दे रहे, आप मुझे जगह ही नहीं बता रहे कहाँ पे रिपेयर करना है। सो ऐसे केसेस में मैं रिपेयर नहीं करूंगा तो चलेगा, क्योंकि मैं आके बैठा हूँ बट आप मुझे बता ही नहीं रहे कहाँ पे रिपेयर करना है, रीजनेबल प्लेस नहीं बता रहे मेरे को, रीजनेबल फैसिलिटी नहीं दे रहे। समझो वो वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को एक थोड़ा स्टूल की जरूरत है, वो स्टूल नहीं ला पा रहे आप। सो ऐसे केसेस में आई नीड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये वही पॉइंट्स हैं जिसमें हमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किए तो चलता है। ध्यान रखो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द केसेस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड एज पर सेक्शन नंबर 62 टू 67 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कई बार सिर्फ सेक्शन देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्टीमेटली क्वेश्चन सिर्फ इतना है, स्टेट द केसेस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। अगर आगे का पार्ट आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको समझ जाता है कि ये सेक्शन नंबर 62 टू 67 वाला ही पॉइंट है। सो आप सेक्शंस देख के मत डरो, कई बार हम नाम देख के डर जाते हैं, इस्टॉपल नाम आ गया तो हम डर जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम से डर जाते हैं अपन। सो नाम से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझो, कंसेप्ट को समझो, आप बराबर लिख पाएंगे। फिर डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज एंड जॉइंट राइट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का क्या मतलब है? डिवोल्यूशन का मतलब है जब चीज दूसरे व्यक्ति को प्राप्त होती है, नीचे आती है। तो देखो दो चीज होती है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी ऊपर जाना, डिवोल्यूशन यानी नीचे आना, ठीक है। सो जैसे हम लोग इवॉल्व हुए और इवॉल्व होके हम इंसान बने, वैसे ही डिवॉल्व होना, डिवॉल्व होने का मतलब है नीचे आना। सो यहाँ पे क्या नीचे आ रहा है? तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स एंड जॉइंट लाइबिलिटीज। सो मैं इसको जल्दी जल्दी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ।
क्या होता है? समझो, ए बी और सी ने मिलके वादा किया था एक्स को कि हम तुमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके देंगे। सो ऐसे केसेस में जब तक ये लोग जीवित है तो सब लोगों की मिलके जिम्मेदारी है कि ये लोग मिलके परफॉर्म करें। फिर अगर ए की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विथ बी एंड सी मिलके परफॉर्मेंस करेंगे। अगर बी की भी डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए एंड बी अलॉन्ग विथ सी परफॉर्मेंस देंगे, और अगर सबकी डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए बी और सी मिलके परफॉर्मेंस देंगे। ये कहलाता है डिवॉल्यूशन। डिवॉल्व हो रही है लाइबिलिटीज ऑन देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये लोगों का मिलके काम है कि ये लोग परफॉर्म करें, ए बी और सी तीनों का। सवाल ये है कि क्या एक्स अगर चाहे कि वो सिर्फ ए से रिकवरी करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? द आंसर इज यस। एक्स कैन कंपेल द होल परफॉर्मेंस फ्रॉम ए ओनली। वो जाके बोल सकता है ए को कि मुझे तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए, वो जाके बोल सकता है बी को मुझे तुमसे परफॉर्मेंस चाहिए, या सी को भी बोल सकता है। सो ही कैन क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज। समझो यहाँ 30,000 रुपए पे करने के थे तीनों ने मिलके, तो यहाँ पे क्या एक्स पूरा का पूरा 30,000 रुपए ए से क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस। अगर ए पूरा 30,000 रुपए पे कर देता है तो क्या यहाँ पे बी और सी को फायदा हो गया? द आंसर इज नो। ए कैन इन टर्न क्लेम द अमाउंट फ्रॉम बी एंड सी। वो जो 10,000 रुपए है वो क्लेम कर लेगा फ्रॉम बी एंड सी। यहाँ पे इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। इसके विपरीत अगर कुछ एग्री हुआ होगा तो वैसा होगा, अगर इनने रेशियो कुछ और रखे हैं तो वैसा होगा, अगर कुछ रेशियो नहीं रखा है तो ऐसे केसेस में ऑल ऑफ देम विल शेयर द obligations इन इक्वल प्रपोर्शन। ठीक है, अब समझो यहाँ पे एक्स किसी एक को अगर मुक्त करना चाहता है तो क्या वो उसको रिलीज कर सकता है? सो यहाँ पे अगर मिस्टर एक्स चाहते हैं कि मैं मिस्टर सी को रिलीज कर दूं, क्योंकि सी उनका कोई जवाई निकलता है दूर का, कोई उनका रिलेशन रिलेटिव निकलता है, रिलेशन में निकलता है, तो ऐसे केसेस में एक्स चाहते हैं कि मैं सी को मुक्त कर रहा हूं, मैं सी से रिकवरी नहीं करूंगा। सो ऐसे केसेस में सवाल यह है क्या ए और बी भी मुक्त हो जाते हैं? द आंसर इज नो। अंडर इंग्लिश लॉ यस सब मुक्त हो जाते हैं, बट अंडर इंडियन लॉ ये लोग पूरे मुक्त नहीं होते। यहाँ पे ए और बी आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स एक्स, और ए और बी विल हैव टू पे टू एक्स 30,000 रुपीज, पूरा पैसा उनको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या फिर सी को फायदा हो गया? द आंसर इज नो। ए और बी इनसे सी से क्लेम कर लेंगे 10,000 रुपए, दोनों जन 5,000-5,000 रुपए क्लेम कर लेंगे। सो अल्टीमेटली देर इज नो सब्सटेंटिव लॉस और गेन टू द रिलीज जॉइंट प्रोमिसर। अगर किसी व्यक्ति को रिलीज भी कर दिया जाता है, सो इट इज द राइट ऑफ द पर्सन, राइट ऑफ द प्रोमिसी टू रिलीज एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, बट इन सच केस देर इज नो सब्सटेंटिव गेन टू द रिलीज जॉइंट प्रोमिसर। सो कोई फायदा नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा? समझो यहाँ पे ए जो है ये इंसॉल्वेंट हो जाता है और ए से कुछ पैसे ही प्राप्त नहीं हो पा रहे, सो ऐसे केस में क्या एक्स का नुकसान होगा? द आंसर इज नो। ध्यान रखो कभी भी थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होने दिया जाता। अगर ये इंसॉल्वेंट हो रहा है और इससे 0 रुपए निकल सकते हैं, कुछ भी नहीं आता है, सो ऐसे केसेस में बी और सी विल हैव टू बेयर द लॉस। तो खुद का जो 10,000 रुपए है वो तो बेयर करेंगे ही, बट इसका जो 10,000 रुपए था ये 10,000 रुपए भी दोनों जन इक्वल प्रपोर्शन में बेयर करेंगे। सो टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा? तो टोटल 15,000-15,000 दोनों को देना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जो एक्स है इसका कोई नुकसान नहीं होगा। सो थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होता, आपस में बाकी ये लोग झगड़ते बैठे। अगर समझो यहाँ पे ए के पास 5,000 रुपए देने की ताकत है तो 5,000 रुपए ए देगा, और बचा हुआ जो लॉस है दैट विल बी बोर्न बाय द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स। तो यहाँ पे 2,500 रुपए दोनों जन बेयर करेंगे। सो इस प्रकार से जो इंसॉल्वेंट हो जाता है या जिसका रिकवरी नहीं की जा सक रही, उसका लॉस जो बाकी के रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स है उन लोगों को बेयर करना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर रिलीज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट आपको एक ध्यान रखना है। फिर वैसे ही अगर जॉइंट राइट्स है तो क्या होगा? समझो जॉइंट राइट्स है, यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है, ये तीनों को मिलके अधिकार है कि वो लोग परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। तो कौन क्लेम करेगा? तो जब तक ये लोग सब जीवित है तो सब लोग मिलके परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर एक्स एक्स हो जाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, घचक जाता है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलॉन्ग विद द सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसेस विल क्लेम द परफॉर्मेंस। अगर वाई की भी डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स एंड वाई अलॉन्ग विद जेड कैन क्लेम द परफॉर्मेंस।
और अगर जेड की भी डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स वाई एंड जेड कैन क्लेम द परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रोमिसर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज एंड जॉइंट राइट्स. जॉइंट राइट्स भी डिवॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे इनका ये राइट है, दिस राइट इज डिवॉल्व ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. सो अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों ही डिवॉल्व हो जाती है टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. सो सिंपल से पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर सकते हैं. इफेक्ट ऑफ रिलीज वगैरह सब कंप्लीट हो गया. टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, अब टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, कब परफॉर्मेंस करके देना पड़ेगा, तो इसको भी हम एक डायग्राम से जल्दी से देख लेते हैं. सो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस में कैसा होता है, सो पहले हम देखते हैं टाइम के बारे में, टाइम, फिर देखेंगे हम प्लेस. तो किस वक्त पे परफॉर्मेंस होना चाहिए और किस जगह पे परफॉर्मेंस होना चाहिए, इसके बारे में ये रूल बताता है. सबसे पहले हम वक्त की बात करते हैं, वक्त कैसा हो सकता है, तो वक्त या तो अच्छा या तो बुरा, नहीं ऐसा नहीं. वक्त कैसा हो सकता है, वक्त या तो स्पेसिफाई कर दिया था, स्पेसिफाई कर दिया यानी पहले ही बता दिया था मुझे 5 तारीख को शाम को 6 बजे गुड्स चाहिए. सो परफॉर्मेंस कहाँ होना चाहिए, एट सच स्पेसिफाइड टाइम. तो अगर पहले से टाइम निर्धारित कर दिया गया था तो उस वक्त पे परफॉर्मेंस होना चाहिए. अगर टाइम नहीं निर्धारित किया था, सिर्फ एक दिन बताया गया था, डे हैज बीन स्पेसिफाइड, सो क्या किया जाएगा, सिर्फ 5 तारीख बोला था लेकिन वक्त नहीं बताया था कि शाम को 6 बजे चाहिए, तो फिर उस दिन एट यूजुअल बिजनेस आवर्स ऑफ दैट बिजनेस परफॉर्मेंस होना चाहिए. बिजनेस आवर्स का क्या मतलब है, तो हर बिजनेस का अपना अपना वक्त होता है, उस वक्त में परफॉर्मेंस होना चाहिए. जैसे अगर आप सराफा बाजार में चले जाएंगे, सोना चांदी की खरीदी बिक्री जहां होती है, तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां का टाइमिंग अलग होता है. वहां पे 11:30-12 बजे दुकानें खुलती है और शाम को फिर रात को 9:30-10 तक के चलती है. सो दैट विल बी द यूजुअल बिजनेस आवर्स. अगर आप शेयर मार्केट की बात करते हैं तो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 3:30 बजे तक के उसका बिजनेस का टाइम होता है. सो हर बिजनेस का अलग अलग बिजनेस आवर होता है और वो उस बिजनेस आवर्स में ही परफॉर्मेंस होना चाहिए फिर, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज, इफ द टाइम इज स्पेसिफाइड, द परफॉर्मेंस शुड बी एट सच टाइम, सच स्पेसिफाइड टाइम. इफ ओनली अ डे वॉज स्पेसिफाइड, देन परफॉर्मेंस शुड बी एट यूजुअल बिजनेस आवर्स ऑफ सच बिजनेस. देन दूसरी चीज हो सकती है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया था तो क्या होगा, अगर टाइम बताया ही नहीं था तो ऐसे केसेस में प्रोमिसर ने पूछना चाहिए कि कहाँ पे और कितने बजे आपको परफॉर्मेंस चाहिए. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर टू आस्क टू फिक्स द टाइम. तो प्रोमिसर शुड आस्क टू फिक्स द टाइम. प्रोमिसर पूछेगा कि भाई कौन से वक्त पे आपको परफॉर्मेंस चाहिए. अगर वो पूछ लेता है तो फिक्स हो जाएगा, और फिक्स हो गया तो फिर से स्पेसिफाइड में आएगा. अगर वो नहीं पूछता है तो ऐसे केसेस में परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए विद इन अ रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम क्या है, रीजनेबल टाइम विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का क्या मतलब है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब है इट विल डिपेंड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस. फॉर एग्जाम्पल, अगर पिज्जा की डिलीवरी की बात हो रही है तो कितने देर में आ जाना चाहिए, तो आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, दैट विल बी द रीजनेबल टाइम. अगर कार की बात हो रही है तो कार के केस में परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए विद इन 10 to 15 days, दैट विल बी द रीजनेबल टाइम. वहीं जमीन जायदाद की बात हो रही है तो हो सकता है 3 महीने से 6 महीना भी उसका टाइम हो सकता है. सो इट विल डिपेंड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम. सो अल्टीमेटली देयर कैन बी ओनली 2 केसेस, वन द टाइम इज स्पेसिफाइड, द अदर द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड. अगर टाइम स्पेसिफाई किया गया था तो परफॉर्मेंस शुड बी एट सच स्पेसिफाइड टाइम. अगर टाइम पूरा स्पेसिफाई नहीं किया था, सिर्फ डे स्पेसिफाई किया गया था, तो उस दिन कोई भी यूजुअल बिजनेस आवर में आपने परफॉर्मेंस देना चाहिए. फिर अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया था तो प्रोमिसर शुड आस्क फॉर फिक्सिंग द टाइम. अगर टाइम फिक्स हो जाता है तो फिर स्पेसिफाइड वाले रूल्स लगेंगे, और अगर फिक्स नहीं होता है, वो नहीं पूछता है, भूल जाता है, तो ऐसे केसेस में इट शुड बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम. व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम विल बी द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. इट विल डिपेंड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. देन द अदर थिंग इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, अगेन द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी आइदर स्पेसिफाइड और नॉट स्पेसिफाइड. अगर स्पेसिफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस शुड बी एट सच स्पेसिफाइड प्लेस. पहले से निर्धारित कर दिया था तो उस जगह पे परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए.
दूसरी चीज हो सकती है स्पेसिफाई नहीं किया गया था, अगर प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया था तो फिर प्रोमिसर ने पूछना चाहिए, प्रोमिसर शुड आस्क टू फिक्स अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर रिसीविंग द गुड्स। अगर वो फिक्स कर देता है तो स्पेसिफाई में आएगा, अगर नहीं कर पाता है, भूल जाता है पूछने के लिए, या बात नहीं हो पाती है किसी भी प्रकार से, अगर फिक्स नहीं हो गया तो ऐसे केसेस में अब प्रॉमिस ने फिक्स करना चाहिए, शुड हिमसेल्फ फिक्स। अगर फिर फिक्स हो गया तो फिर यहां पे आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा इज द प्लेस इंपॉर्टेंट, क्या प्लेस इंपॉर्टेंट है फॉर परफॉर्मेंस। अगर हां तो इट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। समझा के बताता हूं, अभी पहले लिख लो, आपके पास लिखा होगा वैसे। और अगर प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं थी तो ऐसे केसेस में परफॉर्म एट ओन प्लेस, तो प्रोमिसर ने खुद के जगह पे बना के रखना चाहिए गुड्स। सिंपल एग्जांपल, जैसे कि समझो मुझे चाहिए थे कुछ बेंचेस, बेंच बनवाना था अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरे कंपनी के लिए, कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुझे बेंचेस बनाना था। अब ये बेंचेस बनाने के लिए मैं प्लेस एक तो स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मुझे कैप्स में ये प्रीमाइसेस है, ये प्रीमाइसेस पे मुझे ये बना के दे दो। तो ऐसे केसेस में इट इज स्पेसिफाइड, इट शुड बी परफॉर्म्ड एट सच स्पेसिफाइड प्लेस ओनली। फिर कभी ऐसा होता है कि अगर परफॉर्मेंस का मैंने प्लेस डिसाइड नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना बोल के आ गया कि भाई मुझे बेंचेस चाहिए है, सो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि क्या बेंचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो प्रोमिसर पूछेगा, शर्मा जी आपको कहाँ पे बेंचेस बना के चाहिए। अगर वो पूछ लेता है और मैं बता देता हूँ कि कैप्स के इस प्रीमाइसेस पे चाहिए, तो फिर इट विल अगेन बी अंडर स्पेसिफाइड। फिर अगर वो नहीं पूछता है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बताना चाहिए कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर प्लेस पे परफॉर्मेंस चाहिए। सो मैंने प्लेस खुद ने फिक्स करना चाहिए, अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो फिर वहां पे परफॉर्मेंस होगा। अगर उसने भी नहीं पूछा और मैंने भी नहीं फिक्स किया, सो ऐसे केसेस में अब देखा जाएगा क्या प्लेस इंपॉर्टेंट है। अब प्लेस इंपॉर्टेंट है इसका क्या मतलब है, प्लेस इंपॉर्टेंट है इसका मतलब है कि मुझे अगर प्लेस पता ना रहे तो फिर परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। समझो कारपेंटर को अगर वो प्लेस पता ही नहीं है कि कहाँ पे फर्नीचर बनाना है तो वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता। सो ऐसे केसेस में प्लेस वॉज इंपॉर्टेंट। जैसे हमको समझो अटैच्ड वाला फर्नीचर होना चाहिए था जो कि रूम से पूरा कॉर्नर कॉर्नर से अटैच्ड रहे, अब ऐसा फर्नीचर हमको चाहिए था जो पूरा अटैच्ड रहे। सो ये जब तक वो प्लेस नहीं देखेगा तब तक नहीं बनाया जा सकता, और अगर प्लेस फिक्स नहीं होती तो ही नीड नॉट परफॉर्म, वो मुक्त हो जाता है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले देखे थे हमने कि वेयर द प्रोमिसी प्रोमिसी फेल्स टू नेम अ रीजनेबल प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, तो जब वो पर्टिकुलर प्लेस नहीं बता रहा है या रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे केसेस में द प्रोमिसर नीड नॉट परफॉर्म। और अगर प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं थी, एक नॉर्मल से बेंचेस हमको बनाना था, तो ऐसे केसेस में ही शुड परफॉर्म इट एट हिज ओन प्लेस ऑफ बिजनेस, वो खुद के फैक्ट्री में बना के रखेगा और वहां से वो चीजें लेके आना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो अल्टीमेटली प्लेस में भी दो चीज हो सकती है, स्पेसिफाइड और नॉट स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाइड है तो परफॉर्मेंस शुड बी एट सच प्लेस, स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रोमिसर शुड आस्क टू फिक्स। फिक्स हो गया ठीक है, स्पेसिफाई हो जाएगा, नहीं हुआ प्रोमिसर शुड फिक्स, अगर फिक्स हो गया फिर स्पेसिफाई हो जाएगा, नहीं किया फिर देखा जाएगा इज द प्लेस इंपॉर्टेंट। अगर प्लेस इंपॉर्टेंट थी और प्लेस जब तक निर्धारित नहीं होती तब तक परफॉर्म नहीं किया जा सकता, सो ऐसे केसेस में प्रोमिसर विल बी एब्सॉल्व फ्रॉम द लायबिलिटी, ही नीड नॉट परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस। बट अगर प्लेस वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, वो बिना प्लेस फिक्स हुए भी परफॉर्म कर सकता था, सो ऐसे केस में ही शुड परफॉर्म एट हिज ओन प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, वो खुद के जगह पे परफॉर्म करके उसको रखेगा। सो अल्टीमेटली दिस इज ऑल अबाउट द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। सो आप एक बार ये रीड करेंगे तो आपको ये पूरे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कल मुझे किसी का मैसेज आया था, सर व्हाट आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, मैंने उसको बताया कि चैप्टर नंबर 8 में आएगा, बट फिर पता नहीं समझा कि नहीं, मैंने लिख के भेजा था चैप्टर नंबर 8, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार गुस्सा हो जाते हैं, सर हमको बताया नहीं, तो वो मेरे को पता है कौन सी चीज कब बताना है। सो इसीलिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई चीज मैं नहीं बता रहा हूं या मैं बोलता हूं आगे आएगी तो वो जरूर आएगी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का जो टॉपिक है ये आगे आएगा, अगर मैंने बोला तो आपको इतना ट्रस्ट रख के आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ आगे आ जाएगा, ठीक है। सो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है बदले में, प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस।
हर प्रॉमिस, हर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रॉमिस होती है, दीज आर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। जैसे कि अगर मिस्टर ए बोलता है कि मैं तुमको गुड्स लाके दूंगा, कार लाके दूंगा, और मिस्टर बी बोलता है मैं तुमको पैसे दूंगा, तो ऐसे केसेस में अगर आप देखो तो ए ने एक वादा किया है गुड्स देने का और बी ने दूसरा वादा किया है पैसे देने का। बोथ द प्रोमिसेस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ए गुड्स देने का वादा कर रहा है और बी पैसा देने का वादा कर रहा है, दोनों एक दूसरे के बदले में है। हेंस दीज आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सो रेसिप्रोकल का मतलब है एक दूसरे के बदले में। सो हर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखो तो जनरली रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वहां पे रहेंगे ही। सो एक व्यक्ति कुछ वादा कर रहा है, उसके बदले में दूसरा व्यक्ति दूसरा वादा कर रहा है। सो बोथ आर इन रिलेशन टू ईच अदर, गुड्स के बदले में पैसा, पैसे के बदले में गुड्स। सो बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इनको ही हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सेक्शन 2F डिफाइंस अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस एज अ प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, वादे के बदले वादा। दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कैसे कैसे हो सकते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। ऑफकोर्स जितने भी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होंगे सब म्यूचुअल होंगे, म्यूचुअल यानी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेटेड, आपस में। सो म्यूचुअल, जैसे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, वो आपका भी फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, वो आपस में दोनों का फ्रेंड है। सो म्यूचुअल तो हमेशा ही रहेंगे, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सो म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट का मतलब है, जैसे समझो ए ने परफॉर्म करने का वादा किया था कि मैं 1 तारीख को तुमको कार ला के दूंगा, और बी बोलता है मैं तुमको पैसा दूंगा 15 तारीख को। सो ए ने वादा किया मैं 1 तारीख को परफॉर्मेंस दूंगा, और बी ने वादा किया मैं 15 तारीख को पैसा दे दूंगा। सो ऐसे केसेस में ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों जो प्रोमिसेज है म्यूचुअल है, दोनों एक दूसरे के बदले में है। ए गुड्स देने की बात कर रहा है और बी पैसा देने की बात कर रहा है। अल्टीमेटली बोथ आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेज। यहाँ पे क्या ए को कार देना पड़ेगा 1 तारीख को? द आंसर इज यस। ए विल हैव टू परफॉर्म इररेस्पेक्टिव ऑफ बीस परफॉर्मेंस। बी अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि बात हुई थी कि बी विल परफॉर्म लेटर, बी बाद में परफॉर्म करेगा, बट फिर भी ए विल हैव टू परफॉर्म द प्रॉमिस। ए को अभी के अभी वो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ए रुक नहीं सकता। उसने पहले ही बोला है कि मैं 1 तारीख को गुड्स दे दूंगा, तो ही विल हैव टू गिव द गुड्स ऑन फर्स्ट ऑफ जो भी जनवरी दिया है, 1 जनवरी। सो ही विल हैव टू डिलीवर द गुड्स ऑन द सेट डेट। उस तारीख को उसको गुड्स देना पड़ेगा। मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीस परफॉर्मेंस। ए ये नहीं देखेगा कि बी पैसा दे रहा कि नहीं दे रहा। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है यू नीड नॉट डिपेंड ऑन बीस प्रायर परफॉर्मेंस। बी परफॉर्म करेगा फिर मैं परफॉर्म करूंगा, ऐसा रुकने की जरूरत नहीं है। सो एज प्रोमिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीस परफॉर्मेंस, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। ऑफकोर्स बीज प्रोमिस इज डिपेंडेंट। बी विल नॉट पे द प्राइस अगर ए ने गुड्स नहीं दिया था तो। सो दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट। सो एक पार्ट इसमें आपको दिख रहा है इंडिपेंडेंट है, और दूसरा पार्ट आपको दिखेगा कि ये डिपेंडेंट है। सो म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, या म्यूचुअल और इंडिपेंडेंट, ये दोनों पॉइंट्स आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से ही कंप्लीट हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूं वैसे, जैसे समझो मैं आपको बोलता हूं मैं आपके घर पे पेंटिंग करके दूंगा, आप बोलते हैं ठीक है सर हम पेंट का डब्बा लेके आएंगे। अब जब तक आप पेंट का डब्बा नहीं लेके आते तब तक मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। मीन्स अल्टीमेटली दीज आर म्यूचुअल प्रोमिसेस। आप पेंट का डब्बा लाओगे और मैं पेंट करके दूंगा, बट मैं तब तक परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जब तक आपने डब्बा नहीं लाके दिया। मीन्स आई एम डिपेंडिंग ऑन योर प्रायर परफॉर्मेंस। जब तक प्रॉमिस ही पहले परफॉर्म नहीं करता तब तक प्रोमिसर कैन नॉट परफॉर्म। जब तक आप पेंट का डब्बा नहीं लाते तब तक मैं पेंटिंग कैसे करूंगा। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। ठीक है, तो आई एम डिपेंडिंग ऑन योर प्रायर परफॉर्मेंस। जब आप पहले परफॉर्म करोगे, आप पहले डब्बा लेके आओगे, तब जाके मैं पेंटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट का मतलब होता है जो म्यूचुअल है और साथ साथ हो रही है। कॉन्करेंट का मतलब होता है जो साथ साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म होता है। एक हाथ से गुड्स दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया। जैसे कि अगर आप कोई मैगी खरीदने जाते हैं दुकान में तो आप पैसा देते हैं और मैगी का पैकेट खरीद लेते हैं। आप कोई बुक्स खरीदने जाते हैं दुकान में तो आप पैसा देते हैं और बुक्स खरीद लेते हैं। सो दीज आर म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, साथ साथ में परफॉर्मेंस होते जा रहा है। सो ये भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, दोनों एक दूसरे के बदले में है। कैसे कैसे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो सकते हैं और इनमें कौन कौन से रूल्स लगते हैं ये अपन अभी देखेंगे। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास, और अगली क्लास में हम इसके बाद के जो छोटे मोटे टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, ये चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर। सो अगली क्लास में अपन ये चैप्टर को भी कंक्लूड करेंगे एंड द नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो उसमें दोनों हो जाएगा, और लगभग 1.5 दिन का ये टॉपिक है, तो 1.5 दिन 1.5 लेक्चर इसमें लगता है। तो मैं आइदर 15 मिनट एक्स्ट्रा करूंगा, बताया था मैं,
या फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे। सो आई थिंक 15 मिनट एक्स्ट्रा करने के बदले नेक्स्ट क्लास में देखना विल बी ज्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपका वैसे ही काफी ज्यादा पोर्शन कवर हो चुका है और एकदम से बहुत ज्यादा करके फिर आपको प्रेशर भी आ जाएगा। तो इसीलिए अपन अगला जो थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो अभी मैं आपको रूल्स रिगार्डिंग रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस समझा देता हूँ। लेट्स सी, फर्स्ट रूल इज व्हेन द रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैव टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, अगर वो साथ साथ परफॉर्म करने वाली चीज थी तो यहाँ पे तब तक के परफॉर्मेंस नहीं किया जाएगा जब तक के मुझे ये नहीं पता है कि आगे वाला परफॉर्म करेगा। सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ, ध्यान दो, एग्जाम्पल्स ध्यान से सुनो। याद करो बचपन में आप जाते थे चॉकलेट खरीदने, आप दुकान में जाते थे, बोलते थे अंकल अंकल चॉकलेट है, आप चॉकलेट लेने के लिए बोलते थे, वो बोलते थे बेटा पैसा लाया है क्या? क्यों पूछते थे वो पैसा लाया है क्या? वो इसीलिए पूछते थे क्योंकि अगर उनको लगता है कि ये पैसा नहीं देगा तो ही इज नॉट बाउंड टू गिव द गुड्स। यही रूल यहाँ पे बताया गया है कि अगर प्रोमिसर को लग रहा है कि प्रोमिस इज नॉट विलिंग टू पे द प्राइस, देयर जहां पे बोला गया वहां पे उस वक्त पे उस समय पे वो परफॉर्मेंस करने को पैसा देने को तैयार नहीं है, सो ऐसे केस में प्रोमिसर नीड नॉट परफॉर्म। सो वही आपका पहला पॉइंट है, जहां पे साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने की बात थी लेकिन हमको लग रहा है कि आगे वाला पैसा नहीं दे पाएगा, तो ऐसे केसेस में वी नीड नॉट परफॉर्म आवर पार्ट। ठीक है, जब तक वो पैसा नहीं रखता सामने तब तक हम उसको परफॉर्मेंस नहीं देंगे। द सेकेंड इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अगर फिक्स हुआ था तो वैसे ही होगा। अगर बोला गया था ए कि मैं, ए ने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए मकान बनाऊंगा और तुम मुझे पैसे दे देना, तो यहाँ पे अगर ए ने बोला था मकान बनाऊंगा फिर पैसे दे देना तो वैसा ही होगा, पहले मकान बनाने का काम पूरा होना चाहिए फिर पैसे लिए जा सकते हैं, जब तक मकान नहीं बनाया जाएगा तब तक पैसा नहीं लिया जा सकता। सो अगर कुछ फिक्स हुआ था तो उस प्रकार से ही परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करती है फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, देन ऐसे केसेस में इट बिकम्स वॉइडेबल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, केस है, वो केस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक मिस्टर ए होते हैं, मिस्टर ए का एक खेत होता है और इसके तुरंत बाद में मिस्टर बी का भी एक खेत होता है। यहाँ पे ए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिस्टर बी के साथ कि भाई मैं तुमको इंडिगो बेचूंगा, नील बेचूंगा, मैं अपने ये जगह पे नील उगाऊंगा और ये नील जो है ये तुमको सेल करूंगा एट अ डिसाइडेड प्राइस। बी बोलते हैं ठीक है। अब होता क्या है, यहां से एक नहर आती है, जो नहर जाती है ए के खेत में। अब ये नहर आती है, ये सिंचाई के लिए जरूरी होती है, इरिगेशन के लिए जरूरी होती है, ये जो पानी है पानी यूज करके इंडिगो उगाने वाला होता है। अब क्या होता है, मिस्टर बी जानबूझकर वो क्या करता है, ये जो नहर होती है नहर को डाइवर्ट कर देता है ताकि ए को पानी ना मिल पाए, और अब ए को पानी नहीं मिल पाया और ए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया, उसने नील नहीं उगा पाया। बी आ जाता है और बोलता है कि देखो तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, मुझे कंपेंसेशन दो। ए बोलता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने ये जो पानी की नहर थी इसको डाइवर्ट कर दिया और इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया। कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट भी यही बोलता है कि यस बी हैज प्रिवेंटेड ए टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बी ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया कि ए परफॉर्म ना कर पाए। सो ऐसे केसेस में इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए, इनफैक्ट इट इज अ ब्रीच बाय बी, बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है एंड बी विल बी हेल्ड लायबल फॉर कॉम्पेंसेशन। ठीक है, सो ये केस यहाँ पे एक हुआ था। फिर वेयर द नेचर ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज सच दैट वन कैन नॉट बी परफॉर्म अनलेस दी प्रॉमिस परफॉर्म हिज पार्ट अर्लियर, तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किए तो चलेगा। सेम एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था आप पेंट का डब्बा लेके आओ, आप पेंट का डब्बा लेके ही नहीं आते तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते सर आपने पेंट नहीं किया। आपने अगर पेंट का डब्बा लाके दिया होता तो मैंने पेंट कर दिया होता, बट आपने अगर वो डब्बा नहीं लाके दिया तो यू कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रोमिसर, सो मैं यहाँ पे जिम्मेदार नहीं रहता। इनफैक्ट आई कैन क्लेम द कॉम्पेंसेशन फ्रॉम यू, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को भी लेके आया होगा पेंट करने के लिए, साथ में दो चार लोगों को लेके आया, अब मुझे तो उनको रोज ही देना पड़ेगा, रोज का जो पैसा बनता है उतना तो देना पड़ेगा। सो ऐसे केसेस में मुझे जो भी पैसा देना पड़ा है आई कैन इन टर्न क्लेम फ्रॉम यू, सो इन दिस केस आई नीड नॉट परफॉर्म एंड आई कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम यू। सो ऐसे केसेस में भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस में जब एक व्यक्ति पहले परफॉर्म करेगा तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे तब तक मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। पेंट वाला एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस अगर ऐसे हैं जो कि पार्ट में लीगल है और पार्ट में इलीगल है, तो ऐसे केसेस में द फर्स्ट सेट दैट इज लीगल सेट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड द इलीगल सेट विल बी द वॉइड एग्रीमेंट, अगर ये अलग किया जा सकता है तो,
अगर अलग नहीं किया जा सकता है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझो, मैं नमक की ट्रेडिंग करता हूं और साथ में कोकेन के पैकेट लगा के बेचता हूं। ऐसे केसेस में मैंने अगर आपको बोला कि आप मेरे यहाँ काम करोगे, नमक और कोकेन बेचना है, 1 लाख रुपए की सैलरी दूंगा, तो ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट इलीगल हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि इट इज नॉट डिविजिबल। ये एक ही पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। बट अगर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस अलग अलग हैं, जैसे कि मैंने बोला था अगर आप नमक की ट्रेडिंग करते हैं तो मैं 20,000 रुपए आपको दूंगा, और अगर आप कोकेन की ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं तो 80,000 रुपए और दूंगा, सो ऐसे केसेस में बोथ आर सेपरेबल। ऐसे केसेस में द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, नमक की ट्रेडिंग और पैसा, दैट इज परफेक्टली वैलिड, एंड द सेकेंड सेट दैट इज कोकेन की ट्रेडिंग और पैसा, दिस विल बी वॉइड एग्रीमेंट। सो वही पॉइंट दिया, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो इलीगल, द फर्स्ट सेट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट द लेटर इज अ वॉइड एग्रीमेंट बींग इलीगल। यहां तक अब आपके कोई भी डाउट है, कोई भी शक है, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट कैसे क्या अप्रोप्रिएट किए जा सकते हैं, एंड असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट और सक्सेशन में क्या फर्क है, ये सब चीजें अगली क्लास में देखेंगे। एंड साथ ही साथ हम इसके बाद का जो चैप्टर है वो भी चालू कर देंगे। बहुत सारी शुरुआत की चीजें रिपीटेशन होगी, बट फिर भी हम उसको थोड़ा ऊपर ऊपर जरूर देख लेंगे। अब अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। जब भी मैं पूछता हूँ डाउट है क्या, तो आपके अगर डाउट है तो हाथ रेस करके रख लिया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आपको डाउट्स हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं पूछ लेता हूँ और आप अगर हैंड रेस नहीं करेंगे तो मैं क्लास को कंक्लूड कर दूंगा। सो अगर डाउट है तो आप हैंड रेस करके रख लो, फिर आप डाउट टाइप कर लो, दैट विल बी बेटर। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर कुछ, वैसे तो मेरे हिसाब से पूरा 100% आपको समझ रहा होगा, क्योंकि मैंने जैसा वादा किया था कि इवन इफ इट इज अ शॉर्ट बैच वी विल बी कंप्लीटिंग द 100% ऑफ द टॉपिक। द ओनली डिफरेंस इज, ओनली डिफरेंस, मैं क्यूमुलेटिव रिविजन नहीं करूंगा, रिपीटेशन नहीं करूंगा। जैसे मैं बार बार बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, जहां मैं समझो 7-8 एग्जाम्पल देता हूँ, वहां पे अब मैं सिर्फ 2 या 3 एग्जाम्पल में कंप्लीट करूंगा। एंड द सेकेंड डिफरेंस विल बी, मैं रीड नहीं करूंगा, हर चीज आपको रीड करके मैं नहीं बताऊंगा, जैसा कि मैं मेन क्लास में करके बताता हूँ। बस इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग द डायग्राम्स, जो डायग्राम्स मैं मेन क्लास में बनाता हूँ वो डायग्राम्स भी आपको बना के बता रहा हूँ। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज घर जाके रिवाइज करो, रिवाइज करके क्वेश्चन आंसर करो, बात खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा चैप्टर में। लॉ आपका पूरा क्लास के साथ साथ में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। सो ये एक बोनस हो गया आपके लिए कि आपको जल्दी से पूरा करके मिल रहा है, जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो रिविजन के हिसाब से बैठे हैं उनके लिए तो ये एकदम यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई कि आपका पहले पूरा पढ़ा के हो गया और एक बार में रिविजन भी हो जा रहा है। क्योंकि लॉ जैसा टॉपिक रिवाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप खुद ही घर पे जब लेके बैठोगे आपको अंदाज लगेगा कि हाँ रिवाइज करने में बहुत टाइम जा रहा है। बट रिविजन शुड बी लाइक दिस। कई बार आप लोग पूछते थे ना, सर कैसे पढ़ना चाहिए लॉ को, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे आपने रिवाइज करना चाहिए। पहली बार आप पूरा पढ़ोगे, पूरा आप रीड करोगे, बट जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे आपको हेडिंग देखते से ध्यान आ जाना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। आपको अंदर की चीज अपने आप क्लिक होते जाना चाहिए। एंड अल्टीमेटली यस, आपको रीडिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल हैव टू राइट इट इन द एग्जाम। सो जितना रीड करोगे उतना अच्छा तो हो गई, बट एट द लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट पे जब आप रिविजन करोगे, दैट शुड बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। हाँ, प्रेरणा का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस करके रखा है, पूछ सकते हैं। आप टाइप भी कर सकते हैं, या आप अगर डायरेक्टली पूछना चाहें तो ऑडियो में भी पूछ सकते हैं। हाँ ओके, पेज नंबर 106, ट्रू फॉल्स, थर्ड नंबर का। वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, नो इट इज इनकरेक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है, इट इज ऑफ कंटिंजेंट नेचर बट इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, बट वेजरिंग एग्रीमेंट इज नेवर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट वॉज वॉइड एब इनिशियो। बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, द ओनली थिंग इज दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन सम इवेंट, अनसर्टन इवेंट, सो इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ सेपरेट थिंग, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट, बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ वेलकम। चलो तो कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, अगली क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो ऐसा है, हम लोग देख रहे थे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हमने पहले तो देखा कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, दो प्रकार के परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। फिर हमने देखा टेंडर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, कब कब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किए तो चलता है, फिर टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, फिर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होती है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो टाइम एज द एसेंस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो एसेंस का क्या मतलब है? एसेंस का मतलब होता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसकी एक समरी, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम निकाल लिए और उसको हम बोलते हैं एसेंस। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, बुक का एसेंस पढ़ते हैं आप, तो एसेंस का क्या मतलब है? जैसे भागवत गीता है, उसका एसेंस यानी उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समराइज करके आपके सामने रख दिए। सो एसेंस मींस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो वैसे ही यहाँ पे टाइम इज द एसेंस का क्या मतलब है? मींस टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में उस वक्त के अंदर परफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जो भी वक्त निर्धारित किया है, अगर उस वक्त में ये परफॉर्मेंस नहीं होगा तो इसमें इस परफॉर्मेंस का फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। सो टाइम एज द एसेंस का मतलब होता है परफॉर्मेंस विद इन दैट स्टेपुलेटेड टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो हम कब बोलते हैं कि टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? क्या हमने वक्त बता दिया तो एसेंस बन जाता है? अगर मैंने सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे 5 तारीख को परफॉर्मेंस चाहिए तो क्या ये एसेंस बन जाएगा? द आंसर इज नो। सिर्फ टाइम स्पेसिफाई कर देने से वो एसेंस नहीं हो जाता। So we will have to look at the facts and circumstances of each case, the intention of the parties, nature of the transaction. So बहुत सारी चीजों पर depend करता है। सिर्फ समय निर्धारित कर देने से, वक्त बता देने से essence नहीं हो जाता। कई बार ऐसा होगा वक्त बताया नहीं but still it is an essence. So वक्त बोलने या नहीं बोलने से essence नहीं होता। It will depend on the nature of transaction, intention of the parties, parties क्या चाह रही थी। सिंपल सा एक एग्जांपल लेके अपन इसको देखते हैं। जैसे समझो अपना कैप्स का एक फाउंडेशन डे रहेगा, कैप्स का एक फंक्शन होता है, समझ लो अपन वो 5 तारीख को, 5 सितंबर को फाउंडेशन डे रखते हैं टीचर्स डे के दिन। सो टीचर्स डे सेलिब्रेशन अपना होता है। अब टीचर्स डे सेलिब्रेशन में हम लोग जो भी बच्चे होते हैं उनको मोमेंटो चिपकाते हैं, चिपकाते मीन्स देते हैं तो जो भी अच्छा करते हैं बच्चे, जिन लोग बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, जिन लोग बहुत अच्छा पढ़ाई में अच्छा स्कोर करते हैं, भले वो पुराने क्लासेस में हो, जैसे अगर आप 11th 12th में हैं तो आपने अगर 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया था तो आपको एक मोमेंटो प्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही अगर आप फाउंडेशन में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, आप सब्जेक्ट टॉपर रहते हैं या आप रैंक लाते हैं तो आप लोगों को मोमेंटो देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे समझो 5th सितंबर को अपना एक फंक्शन होने वाला था जिसमें अपन मोमेंटो देने वाले थे। सो 5th सितंबर को चाहिए तो मैं जाके ऑर्डर दे के आता हूँ, मैं जाता हूँ मोमेंटो बनाने वाले के पास और मैं बोलता हूँ मुझे इस प्रकार का ऐसा ऐसा मोमेंटो चाहिए, इसमें ऐसा ऐसा लिखा होना चाहिए। तो फॉर द फेलिसिटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग मोमेंटो देना चाहते हैं, तो मुझे ये वाला मोमेंटो चाहिए। 5 तारीख को हमारा फंक्शन है, सो मुझे 1 तारीख को मोमेंटो दे देना। मैंने बताया क्या? मैंने बोला 1 तारीख को मोमेंटो दे देना। अब टाइम हैज बीन स्पेसिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस, मैंने बोला वो 1 तारीख को मुझे लाके दे देना, बट क्या यहाँ पे टाइम एसेंस हो गया? द आंसर इज नो। टाइम 1 तारीख बताया हूं बट क्या 1 तारीख को परफॉर्म नहीं हुआ तो क्या बहुत बड़ी चीज हो जाएगी? तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 5 तारीख को एक्चुअल में गुड्स रिक्वायर्ड है। सो भले मैंने 1 तारीख बता दिया हूं, अगर वो 2 को भी गुड्स लाता है, 3 को भी लाता है तो ऐसे केसेस में इट विल बी ओके। मैं यहाँ पे इसको ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा। सो अल्टीमेटली टाइम एसेंस है या नहीं, ये टाइम बता देने से नहीं होता। अगर आपने टाइम बता दिया 1 तारीख तो भी हो सकता है इट इज नॉट द एसेंस। इसके अपोजिट कभी ऐसा हो सकता है आपने कुछ बताया नहीं बट स्टिल द टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरी शादी है, शादी होने वाली है समझो 20 तारीख को, शाम को 6 बजे से लोग आने लगेंगे, खाना वगैरह का जो कार्यक्रम है तो डिनर वगैरह ये रहेगा शाम को 6 बजे से। अब मैं केटरिंग वाले को बता देता हूँ कि भैया देखो शाम को 6 बजे लोग आना चालू हो जाएंगे और अपना जो फंक्शन है चालू हो जाएगा। मैंने उसको ये नहीं बताया कि तुमको कब सर्विस प्रोवाइड करना है, बट एटलीस्ट शाम को 6 बजे अगर हमको चाहिए है सर्विस तो उसने कम से कम
4 बजे 5 बजे से तैयारी चालू कर देना चाहिए। तो ऐसे केसेस में इवन इफ टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड कि तुम्हें कब सर्विस देना है, बट फिर भी जैसे ही उसको पता है कि इतने बजे से फंक्शन चालू होगा, सो उसके एटलीस्ट 1 घंटा पहले उसकी पूरी तैयारी हो जाना चाहिए। सो इवन इफ द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड कि तुमको कब तक परफॉर्म करना है, बट यहाँ पे क्योंकि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दोनों को पता है, सो इट विल बिकम द एसेंस अगर हमने नहीं भी बताया तो भी। सो समय के निर्धारित कर देने से वो एसेंस होगा ऐसा नहीं होता, उसी प्रकार से समय अगर निर्धारित नहीं किया है तो वो एसेंस नहीं होगा ऐसा भी नहीं होता। सो वी विल हैव टू लुक एट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड ऑल द फैक्ट्स टेकन टूगेदर। सो इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस देख के आप बता सकते हैं वेदर द टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। सो टाइम एसेंस है या नहीं, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखो अगर टाइम एसेंस है और उस टाइम तक परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल, बट अगर टाइम एसेंस नहीं है सो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। सो एग्जाम्पल ध्यान रखो, सेम कैब्स वाला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको कि हमारा 5th तारीख को, 5th सेप्टेम्बर को हमारा फंक्शन है, मैंने अगर बोल दिया 1 तारीख को गुड्स लाके दे देना, सो यहाँ पे एसेंस नहीं है तो यहाँ पे 1 को नहीं भी लाएगा, 2 को भी लाएगा तो आई कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इफ टाइम इज नॉट द एसेंस द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड, पहली चीज। दूसरी चीज, टाइम एसेंस है, समझो मैंने उसको बोला था 5 तारीख को गुड्स मेरे को चाहिए, 5 तारीख को फंक्शन है, अब यहां 5 तारीख बताया हूं, 5 तारीख इज द एसेंस, टाइम इज द एसेंस, अब यहां टाइम एसेंस है और वो टाइम पे नहीं लाता है, 5 तारीख आ गई सुबह सुबह गुड्स लाके देने वाला था वो सुबह सुबह गुड्स नहीं लाता है, सो आई हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दू या तो मैं चालू रहने दू। अगर मैं यहां कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं सो मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं, यहाँ पे आई हैव अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज जो वक्त निर्धारित था, जो एसेंस था, वो टाइम आ चुका है और अभी तक के उसने गुड्स नहीं लाया, सो आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस बिकॉज टाइम वॉज द एसेंस। बट यहीं पे समझो मैं अगर कैंसिल करूंगा फिर दूसरे किसी को मोमेंटो का ऑर्डर दूंगा तो यहाँ पे और ज्यादा टाइम लगेगा और 10 दिन आगे चले जाएगी चीजें। सो मैं यहाँ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको एडिशनल टाइम दे दूं, मैं बोलूँ कि ठीक है तू 5 तारीख को नहीं ला पा रहा तो एक काम कर 6 तारीख को ला ले। सो इट इज वॉइडेबल, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं इसको कैंसिल करूं। फिर से आप चैप्टर नंबर 1 में जाके देखेंगे ना, जहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिया है वहां 2 चीजें दी है, वॉइडेबल सिंस इंसेप्शन एंड वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट। वॉइडेबल सिंस इंसेप्शन यानी जिसमें कंसेंट वॉज नॉट फ्री, इट वॉज कॉज बाय कोर्शन, अंडी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ऐसे केसेस में ये शुरू से वॉइडेबल था, पर ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल बाय सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट हो जाते हैं। उसमें 2 पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं, अब सेक्शन नंबर 38, टेंडर, अगर ऑफर बराबर नहीं है तो इट इज वॉइडेबल, और दूसरा जब टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और विद इन द टाइम परफॉर्मेंस नहीं होता है तो इट बिकम्स वॉइडेबल, इट डज नॉट बिकम वॉइड ऑटोमेटिकली, इट बिकम्स ओनली वॉइडेबल। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, पर कई बार आप एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो क्या आप डैमेजेस रिकवर कर सकते हो? द आंसर इज नो, बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम देना यानी एक प्रकार से रेमिशन है, यानी छोड़ देना, आपने उसको छोड़ दिया, आपने बोला ठीक है मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूं। सो ऐसे केसेस में अगर आप उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो आप उसको फिर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम देते वक्त बताया था कि देखो हम एक्स्ट्रा टाइम तो दे रहे हैं पर हम नुकसान की भरपाई करवाएंगे, तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा जो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड एज टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ, टाइम इज द एसेंस का मतलब होता है उस वक्त के अंदर परफॉर्मेंस होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, अगर नहीं होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर टाइम एसेंस है, ये डिपेंड करेगा ऑन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम बता देने से एसेंस होता ऐसा नहीं है, या टाइम नहीं बताए तो एसेंस नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा अगर टाइम एसेंस है और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है विद इन द टाइम, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, अगर टाइम एसेंस नहीं है सो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बट डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड। फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था क्योंकि टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं हुआ, सो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो कैंसिल करोगे या नहीं करोगे। अगर नहीं करते हो कैंसिल तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आपने उसको बोला था कि देखो हम कॉन्ट्रैक्ट तो ज्यादा टाइम तो दे रहे हैं तुमको बट हम डैमेजेस रिकवर करेंगे, देन यू कैन रिकवर द डैमेजेस। अगर आपने कुछ नहीं बोला सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, देन यू लूज द राइट टू रिकवर द डैमेजेस, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ टाइम एज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जनरली जो
छोटी मोटी जो चीजें रहती है जैसे कि खाने पीने की चीजें, पेरिशेबल चीजें, उसमें टाइम को एसेंस माना जाता है, जैसे पिज्जा वगैरह। आज का पिज्जा, आज सुबह आपने पिज्जा मंगाया और सुबह का पिज्जा अगर शाम को पिज्जा घर आए तो उसे पिज्जा नहीं कहते, तो पिज्जा नहीं रह गया। सुबह अगर आपने मंगाया था पिज्जा तो आधे घंटे 1 घंटे में आ जाना चाहिए, वो शाम को आएगा या दूसरे दिन आएगा तो क्या आप उसको रखोगे? नहीं, बिकॉज हियर टाइम इज द एसेंस, पेरिशेबल गुड्स हैं। बट वही अगर जमीन जायदाद की बात होती है तो यहाँ पे टाइम जनरली एसेंस नहीं होता, यहाँ पे तो 6 महीना साल भर भी हो सकता है कि टाइम एसेंस ना रहे। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है पेमेंट आप किससे एडजस्ट करोगे, एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट। सो पेमेंट किस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से आप एडजस्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल समझो एक व्यक्ति है मिस्टर ए, ये मिस्टर बी की दुकान में जाते हैं और ये दुकान से कुछ गुड्स खरीद के लाते हैं। गुड्स अलग अलग तारीख को खरीद के लाए हैं, समझो 1 जनवरी को 2019, फिर 4 मार्च को 2019, फिर समझो 16 जून को, 23 सितंबर को, ऐसे करके अलग अलग तारीख पे कुछ कुछ गुड्स खरीद के लाए हैं। समझो गुड्स की अलग अलग वैल्यू है, पहले लाए थे 4,000 के गुड्स, फिर लेके आए 3,000 के, फिर 6,000 ला लिए, फिर 8,000, ऐसे करके अलग अलग अमाउंट के गुड्स लेके आए। अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ये पूरा इन्होंने उधारी पे लेके आया। अब उधारी पे लाया लेकिन पेमेंट अभी तक के पेंडिंग है। यहां पे क्या किया जाएगा, ए बाद में कभी तो पेमेंट करेंगे। समझो ए ने पेमेंट कर दिया है 2,000 रुपए का, ए पेमेंट करता है 2,000 रुपए का टू मिस्टर बी। सवाल ये आता है कि ये 2,000 रुपए कौन से वाले बिल से एडजस्ट किए जाएंगे। दिस रूल इज कॉल्ड एज द अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ये जो 2,000 रुपए है ये किससे एडजस्ट किए जाएंगे, द आंसर इज इट विल डिपेंड ऑन द पेयर डेटर। ये डेटर हो गया, पेयर या डेटर, डेटर यानी जो पैसा देने वाला है, जो देने के लिए जिम्मेदार है उसको हम डेटर बोलते हैं। डेटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डेटर बोलता है कि ये 2,000 रुपए को आप एडजस्ट करो फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन, सो उसमें से एडजस्ट होना चाहिए। अगर वो बोलता है कि नहीं 2,000 को इससे एडजस्ट करो तो उसमें से एडजस्ट होना चाहिए। सो इट विल डिपेंड ऑन द पेमेंट करने वाला, जो भी पेमेंट कर रहा है मिस्टर ए डेटर पेयर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अप्रोप्रिएशन इज प्राइमरली द राइट ऑफ डेटर। इफ ही इंडिकेट्स कि कौन से पर्टिकुलर बिल से इस पेमेंट को अप्रोप्रिएट करना है, देन इट शुड बी सो अप्रोप्रिएटेड, जैसा बोला वैसा करना पड़ेगा। दूसरा रूल समझो, यहां पे ये जो 2,000 रुपए है ये समझो 2,000 के बदले इसने दिया 3,000, इसने कुछ बताया नहीं, सिर्फ 3,000 रुपए पे कर दिया। सो डेटर ने इंडिकेट नहीं किया, पर क्या आपको देख के लग रहा है कि ये किससे एडजस्ट होना चाहिए? यस, देख के पता लग रहा है कि ये 3,000 इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से एडजस्ट होना चाहिए, देन वैसा होगा। ठीक है, सो इफ द डेटर इंडिकेट्स तो डेटर के हिसाब से, इफ डेटर डज नॉट इंडिकेट बट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इंप्लाय, सर्कमस्टेंसेस हालात को देख के पता लग रहा है कि आपका पेमेंट किससे एडजस्ट होना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से ही एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको लगेगा लेकिन सर ये तो गलत है, 3,000 रुपए है तो उसी से क्यों एडजस्ट होंगे। सो ध्यान रखो रियल लाइफ में ऐसे एकदम राउंड फिगर नहीं होते। रियल लाइफ में क्या होगा, ऐसा होगा 2,998 रुपए, 2,998, और उसने अगर 2,998 का ही चेक दिया है तो फिर जाहिर सी बात है वो उसी से एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसा है। फिर तीसरा रूल, सो पहला और दूसरा रूल, इनफैक्ट ये फर्स्ट रूल ही है। फर्स्ट रूल बोलता है डेटर ने जैसा बोला वैसा एडजस्ट होगा, और अगर डेटर ने कुछ नहीं बोला बट सर्कमस्टेंसेस देख के पता लगता है कि किससे एडजस्टमेंट होना चाहिए तो वैसा होगा। दूसरा रूल, अगर डेटर ने कुछ नहीं बोला और देख के भी नहीं पता लगता है, समझो यहाँ पे उसने दिया था 5,000 रुपए, जो देख के भी पता नहीं लग रहा किससे एडजस्ट होना चाहिए और कुछ बताया भी नहीं है मिस्टर ए ने, सो किससे एडजस्ट किया जाएगा। सो ध्यान रखो ये एडजस्ट किया जा सकता है फ्रॉम एनी ऑफ द डेट्स। सो बी अपने ऑप्शन पे इसको अब किसी भी पर्टिकुलर डेट से एडजस्ट कर सकता है।
इंक्लूडिंग अ टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड भी होगा, समझो ये जो पहला डेट था, ये पहला डेट अगर 2015 का भी होगा, सो 2015 वाले से भी ये एडजस्ट कर सकता है। सो ये वाला अमाउंट किसी भी डेट से एडजस्ट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग अ टाइम बार्ड डेट, बट इट शुड नॉट बी अनलॉफुल, इट शुड नॉट बी अ डिस्प्यूटेड डेट। डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, झगड़ा चल रहा है ऐसा वाला डेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी डेट, इवन फ्रॉम अ टाइम बार डेट। फिर अगर डेटर ने भी कुछ नहीं बोला, क्रेडिटर ने भी एडजस्ट नहीं किया, जैसे कई बार होता है कि करंट अकाउंट चलते हैं दोनों के बीच में, पैसा आता है वो कुछ एडजस्ट नहीं करते, डायरेक्टली बैंक में डाल देते हैं। तो समझो 5000 रुपए आया था और वे 5000 रुपए डायरेक्टली बैंक में डाल दिया गया। सो ऐसे केसेस में अब ये 5000 रुपए किससे एडजस्ट होगा? सो इट विल बी एडजस्टेड इन ऑर्डर ऑफ टाइम। सो पहला डेट पहले से सेट ऑफ होगा, उसके बाद का डेट उसके बाद होगा। तो ऐसा कर करके इन ऑर्डर ऑफ टाइम वो सेट ऑफ होंगे। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, सर अगर दो डेट एक ही तारीख के हैं तो क्या होगा? समझो ये सभी डेट 2020 के हैं और ये दोनों 1 जनवरी 2020 के हैं। सो ऐसे केस में क्या होगा? समझो पेमेंट आया है 3500 रुपए। सो अब ये किससे एडजस्ट होगा? क्योंकि दोनों डेट एक ही डेट के हैं, ये डेट भी और ये डेट भी दोनों एक डेट के हैं, तो कौन सी डेट से सेट ऑफ होगा? सो यहां पे इट विल बी सेट ऑफ प्रपोर्शनेटली, इट विल बी अप्रोप्रिएटेड प्रपोर्शनेटली। तो यहां पे 3500 का 2000 रुपया इधर जाएगा और 1500 रुपए यहां से माइनस हो जाएगा। सो प्रपोर्शनेटली, ठीक है, ये कहां से आया? तो 3500 डिवाइडेड बाय 7000 मल्टीप्लाइड बाय 4000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3000, यानी प्रपोर्शनेटली सीधा सीधा जितना भी डेट आया, जितना भी पैसा आया है, वो इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा अगेंस्ट बोथ दी डेट्स। इक्वली मीन्स प्रपोर्शनेटली, जितना भी उनका डेट है उस रेशियो में एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज बेसिकली दी रूल ऑफ अप्रोप्रिएशन। ध्यान रखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। टाइम इज द एसेंस भी डायरेक्ट आ सकता है और ये भी डायरेक्ट आ सकता है आपको। सो डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि स्टेट व्हाट इज द रूल ऑफ अप्रोप्रिएशन। सो आपको बेसिकली पहला पॉइंट लिखना है, अप्रोप्रिएशन इज प्राइमरली द राइट ऑफ डेटर, मींस इफ द डेटर इंडिकेट्स देन द पेमेंट शुड बी सो अप्रोप्रिएटेड। फिर अगर डेटर ने कुछ इंडिकेट नहीं किया बट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस इंप्लाय देन इट शुड बी सो अप्रोप्रिएटेड। फिर डेटर ने भी इंडिकेट नहीं किया और हालातों को देखते हुए भी कुछ ध्यान में नहीं आता है कि किससे एडजस्ट होना चाहिए, देन क्रेडिटर कैन एडजस्ट इट फ्रॉम एनी डेट इंक्लूडिंग अ टाइम बार डेट, बट इट शुड नॉट बी अ डिस्प्यूटेड डेट। अगर डेटर ने भी कुछ नहीं बोला, क्रेडिटर भी कुछ नहीं बोलता है, डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में इट विल बी एडजस्टेड इन ऑर्डर ऑफ टाइम। अगर दो डेट एक ही टाइम के हैं, एक ही तारीख के हैं, तो ऐसे केस में ईच ऑफ देम शुड बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस। सो दिस इज बेसिकली द रूल ऑफ अप्रोप्रिएशन। आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। सो इट इज द रूल ऑफ अप्रोप्रिएशन। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना। जब मैं कोई चीज ट्रांसफर कर देता हूं दूसरे व्यक्ति को, दिस इज कॉल्ड एज एन असाइनमेंट, ठीक है। कोई चीज मीन्स क्या? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियां। द जनरल रूल इज मैं अधिकार ट्रांसफर कर सकता हूं बट मैं जिम्मेदारी ट्रांसफर नहीं कर सकता। समझो मुझे किसी से पैसा लेना था 50000 रुपए, मैं बोल सकता हूं कि मेरे बदले 50000 रुपए इनको दे देना, आपका नाम ले लिया मैंने और मैंने बोला कि इनको दे देना, सुमित को दे देना, तो मेरे बदले 50000 रुपए सुमित को दे देना। अब यहां पे मैंने बोल दिया कि सुमित को दे देना, तो मैं ये कर सकता हूं क्योंकि एक राइट था, राइट टू रिसीव द पेमेंट दैट आई हैव असाइंड इन फेवर ऑफ सुमित। सो दिस इज परफेक्टली वैलिड। पर समझो यहां पे मेरे को अगर किसी को पैसा देना था, समझो 50000 देना था, अब मैं उसको बोलता हूं अरे नहीं नहीं मेरे से नहीं, ये इससे ले लेना, साक्षी से ले लेना पैसे। अब यहां पे साक्षी बोलेगी सर मैं काहे को दूं, तो सीधी बात है लायबिलिटी मैं दूंगा तो आप नहीं लोगे, राइट्स दे दूंगा तो आप ले लोगे। तो वही चीज है कि अगर मैं लायबिलिटी ट्रांसफर करना चाहता हूं तो नहीं कर सकता, बट मैं राइट्स आसानी से ट्रांसफर कर सकता हूं। द जनरल रूल इज द राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी असाइंड बट द लायबिलिटीज कैन नॉट बी असाइंड, ऑब्लिगेशंस कैन नॉट बी असाइंड। सो मैं जिम्मेदारियों को दूसरों को ट्रांसफर करके मुक्त नहीं हो सकता। मैं अधिकार ट्रांसफर कर सकता हूं बट जिम्मेदारी ट्रांसफर करके मैं मुक्त नहीं हो सकता। देन कॉन्ट्रैक्ट्स अगर पर्सनल स्किल्स के हों तो अगेन आई कैन नॉट ट्रांसफर देम,
जैसे समझो मैं अगर यहाँ टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं पढ़ाने आया हूं, सो आप मुझे देख के पढ़ने आ रहे हैं, आपको पता है यार शशांक सर पढ़ा रहे इसीलिए हम पढ़ेंगे, आप अगर यहाँ कोई और टीचर रहे तो शायद ना पढ़े, सो इसीलिए आप मेरे को देख के आ रहे हैं। अब मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूंगा तो चलेगा क्या? मैं अपनी जगह मैं अपने आर्टिकल को भेज रहा, जा रहे आज पढ़ा क्या तू, तो क्या ये चलेगा? द आंसर इज नो। सो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स कैन नॉट बी असाइंड। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जिसको भेज रहा हूँ वो कुछ सीए है, जैसे मैं अपनी वाइफ को भेज रहा, वाइफ को बोल रहा कि जाओ आज तुम पढ़ा लो, अब वो भी सीए है, वो भी एक्सपर्ट है, बट स्टिल हो सकता है कि आप उसको एक्सेप्ट ना करो एज ए टीचर क्योंकि आपको मुझसे पढ़ना था। सो दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स। भले ही दूसरा व्यक्ति भी सीए होगा, भले ही वो इक्वली केपेबल होगा, बट स्टिल यहाँ पे असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। जैसे डॉक्टर्स के केस में भी होता है, सीनियर डॉक्टर है उनका लड़का है, सीनियर डॉक्टर भी सेम चीज के डॉक्टर है, उनका लड़का भी सेम चीज का डॉक्टर है, बट स्टिल आपने अगर सीनियर डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने का एग्री किया है सो वो ये नहीं बोल सकता कि आज मेरे बदले मेरा लड़का काम कर देगा, भले ही वो खुद भी डॉक्टर हो। कुणाल पांड्या है और हार्दिक पांड्या है, तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या को अगर आपने टीम में सिलेक्ट किया था तो वो ये नहीं बोल सकता आज मेरे जगह कुणाल खेलने आ जाएगा, भले ही दोनों क्रिकेटर है, दोनों ही अच्छा खेलते हैं, दोनों ही ऑलराउंडर है, फिर भी ये असाइन नहीं किए जा सकती चीजें। सो ऐसा है, पहली चीज पर्सनल स्किल्स कैन नॉट बी असाइंड, दूसरी चीज ऑब्लिगेशंस कैन नॉट बी असाइंड, बट इन दोनों केसेस में असाइनमेंट हो सकता है अगर नोवेशन होगा। नोवेशन का मतलब है आपने एग्री किया, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे बदले आज मेरी वाइफ है वो पढ़ा देगी, आप लोग एग्री करते हैं हाँ सर ठीक है हमको चलेगा। सो ऐसे केसेस में देयर इज अ नोवेशन, पुराने की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, देन इट कैन बी असाइंड। सो यहाँ पे इवन इफ देयर इज अ पर्सनल स्किल और वॉल्यूशन तो भी ये असाइन किया जा सकता है, इवन यहाँ ऑब्लिगेशंस भी होंगे तो असाइन किया जा सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ साक्षी से पैसा ले लेना, साक्षी बोलती हाँ सर आप कोई बात है क्या, आप सर हो हमारे हम पेमेंट कर देंगे। सो अब यहाँ पे अगर वो तैयार है, नोवेशन हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो इन बोथ दीज केसेस इट कैन बी असाइंड इफ देयर इज अ नोवेशन, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट अगर पर्सनल स्किल्स का नहीं है तो इट कैन बी डन बाय एन एजेंट, एजेंट के थ्रू मैं काम करवा सकता हूँ। जैसे समझो कहीं गुड्स पहुंचाना था, मैं अपने एजेंट को बोल सकता हूँ, आर्टिकल्स को बोल सकता हूँ जाओ रे गुड्स पहुंचा के आओ, तो यहाँ पे असाइनमेंट किया जा सकता है। अगला पॉइंट, राइट्स तो असाइन किए ही जा सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। एंड एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है सीधा सीधा उधारी। सो उधारी रिकवर करने का जो अधिकार होता है दैट कैन बी असाइंड ओनली बाय अ रिटन डॉक्यूमेंट। सो एक्शनेबल क्लेम का बेसिकली मतलब होता है उधारी। एक्शनेबल क्लेम की एक्चुअल डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब हम पढ़ेंगे उसमें गुड्स की जब डेफिनेशन आएगी उसमें हम देखेंगे व्हाट इज एन एक्शनेबल क्लेम। अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है उधारी, मनी डेट। अ मनी डेट इज कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम, जिसको आप एक्शन लेके रिकवर कर सकते हैं, कोर्ट जाके रिकवर कर सकते हैं, दैट इज एन एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, एक्शनेबल। सो ये हो गया असाइनमेंट। असाइनमेंट दो प्रकार के हैं बेसिकली। पहला है असाइनमेंट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जो ये वाले असाइनमेंट है जो मैं अपनी इच्छा से असाइनमेंट करता हूं, मैं अपनी इच्छा से ट्रांसफर करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। दूसरा असाइनमेंट होता है असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कि समझो मेरी डेथ हो गई, अपने आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो मेरे वाइफ के नाम से चले जाएंगे, मेरे जो भी रिकवरेबल अमाउंट होगा वो उसके नाम से चला जाएगा। वैसे ही मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंसी में पूरे के पूरे असेट्स और लायबिलिटीज ऑफिशियल रिसीवर को चले जाएंगे, दिस इज ऑल्सो असाइनमेंट। तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, अपने आप हो गया। सो इफ द असाइनमेंट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यहां ध्यान रखो यहाँ असेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज, राइट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशंस आर ट्रांसफर्ड। सो मेरी डेथ के बाद मेरे अधिकार और मेरी जिम्मेदारियां, मेरे असेट्स और मेरे लायबिलिटीज दोनों ही ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे वाइफ के नाम से। जब डेथ पे असाइनमेंट होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्सेशन। सक्सेशन बोला जाता है, सक्सेशन का क्या मतलब है, मेरे बाद वो किसी और को ट्रांसफर हो गए अपने आप ऑटोमेटिकली बाय डेथ। सिर्फ डेथ में, इंसॉल्वेंसी में सक्सेशन नहीं बोलते, सिर्फ डेथ से अगर होता है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्सेशन। सक्सेशन में ध्यान रखो असेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होते हैं। पर समझो अगर मेरे पास असेट है 1000 करोड़ के और लाइबिलिटीज है 1200 करोड़ की, तो क्या मेरी वाइफ को पूरे 1200 करोड़ की लायबिलिटीज पे करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। असाइनमेंट में जितने के असेट्स जाते हैं मैक्सिमम उतने की ही लायबिलिटीज पे करना पड़ता है।
सो यहां पे भले 1200 की लायबिलिटी थी बट अल्टीमेटली सिर्फ 1000 की ही लायबिलिटी ट्रांसफर होगी टू द सक्सेसर. सो दिस इज कॉल्ड अ सक्सेशन, जहां असेट एज वेल एज लायबिलिटी बोथ गेट्स ट्रांसफर्ड बट अल्टीमेटली जितने के असेट्स जाएंगे उतने की ही मैक्सिमम लायबिलिटी जा सकती है. सो ये चीज है. डिफरेंस दिया है, डिफरेंस में पहला टाइम तो मीनिंग है, दूसरा टाइम है, दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है मीनिंग, दूसरा पॉइंट है टाइम, यानी कब होगा. सक्सेशन डेथ पे होता है, असाइनमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम होता है. सक्सेशन इनवॉलेंट्री है, नॉन वॉलेंट्री, अपने आप हो जाएगा, अपनी इच्छा से नहीं मरूंगा. असाइनमेंट वॉलेंट्री है, इच्छा से किया जाता है. सक्सेशन में कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती बट असाइनमेंट में जनरली एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रखा जाता है. स्कोप, स्कोप यानी क्या, वाइडर स्कोप का कौन सा है, तो सक्सेशन हैज अ वाइडर स्कोप क्योंकि उसमें असेट्स और लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होती है. बट असाइनमेंट इज नैरोअर स्कोप, सिर्फ बेनिफिट्स असाइन किए जा सकते हैं, लायबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस असाइन नहीं किए जा सकते. नोटिस कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं होती कि मैं चला गया अब मैं अपने असेट्स वगैरह ट्रांसफर कर रहा हूं, तो डेथ हो गई तो वापस नहीं आएगा वो. लेकिन असाइनमेंट में जनरली नोटिस दिया जाता है कि मेरे बदले इनको पेमेंट कर देना. कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं होती. मैं अगर मर गया तो मैं वापस नहीं आऊंगा, अरे वो पैसे लेने रह गए थे तो गया वो. अब अगर लेकिन असाइनमेंट है तो यहाँ पे जनरली कंसिडरेशन होता है. जैसे मुझे अगर सुमित को कुछ पैसा देना होगा तभी मैं बोलूंगा कि मैं इसको इनको पैसा दे दो. तो ऐसे केसेस में किसी को अगर बोल रहा हूँ कि इनको पैसा दे दो, सो ऐसे केसेस में कुछ ना कुछ जरूर मेरे को लेना रहा होगा. सो जनरली देयर इज अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द असाइनमेंट एंड सक्सेशन. सो बहुत ही आसान सा है ये वाला चैप्टर, इसके आपके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे से आपको जम जाएंगे. और ध्यान रखो ये वाले चैप्टर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की भी बहुत सारी संभावना होती है. मींस आपको डायरेक्टली इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाएंगे, केस स्टडीज तो आने की संभावना है ही, साथ साथ इसमें डायरेक्टली आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल वाले वो भी आ सकते हैं.